आई ऑलवेज चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन एंडकोर्स आई प्रे फॉर द ब्लेसिंग एंड फॉर एवर ओकेशन मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है सबसे सबसे फेवरेट थेरेपी है और हाँ हाँ जी नमस्ते 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 और बहुत विशाल हाँ हाँ नमस्ते ओके ओके सो फैमिली कॉन्स्टेलेशन राइट मतलब हमारी फैमिली से कनेक्टेड है करेक्ट सो कॉन्स्टेलेशन ऑफ़ कोर्स हम बहुत चीजों में कॉन्सलेशन वर्ड यूज करते हैं star constellation, uh, celistic, जो भी भी में जितने भी orbits होते हैं उनके कोई ना कोई कॉन्स्टलेशन होते हैं राइट सो कॉन्सलेशन मतलब एक ग्रुप हुआ एक टूगेदर ऑफ पीपल राइट सो हमारी फैमिली भी कैसे है right? yeah. किस तरह से फैमिली होती है फैमिली में फैमिली मेंबर्स होते हैं हर एक फैमिली का अपना मेंबर्स का हर एक का अपना एक जगह होती है अपने एक स्थान होती है अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एक uh, कार्य होता है राइट सो फैमिली कॉन्सलेशन इज ऑल अबाउट द फैमिली प्लीज कीप म्यूट राइट सो बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरेपी है सो so, थोड़ा बहुत पहले उसके बारे में जान लेते हैं किसका किसकी आवाज बहुत आ रही है बाहर की? Uh, से आवाज़ आ रही कहा okay. so, uh, जो हम फैमिली कॉन्सलेशन है ये एकदम प्रैक्टिकल थेरेपी है ओके okay. इट्स uh, नॉट के uh, इसमें बहुत कुछ ऐसा सीखने वाला या बहुत कुछ थ्योरी का इम्पोर्टेंस तो हर एक चीज़ में होता है लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि uh, हर बार जो है आप जब ये कोई भी सेशन करोगे चाहे आप कितना भी सीख लो फैमिली कौंसलेशन के बारे में लेकिन वो हर बार का एक्सपीरियंस अपने आप में एक नया चीज़ होगी हर बार जो एनर्जी फील्ड आपको दिखाएगी वो एक अलग ही चीज़ होगी इट विल नॉट बी समथिंग जहां आप उसको कंट्रोल करोगे पर वो आपको कंट्रोल करेगी या वो आपको एक डायरेक्शन या दिशा में लेके जाएगी सो so देफ जब आप ये थेरेपी सीख रहे हो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सबको सीखना है कि वी डोंट हैव टू कीप एन ईगो वी डोंट हैव टू फील कि हम बहुत बड़े दिग्गज हैं इस चीज़ में जो है या जो बड़ा है वो हमारा फील्ड है राइट अब कोर्स आप सोचोगे फील्ड क्या है खेती बाड़ी का फील्ड है कि मैडम आज फार्मिंग पे लेके जाने वाली है तो नहीं। नमस्ते मैडम हाँ नमस्ते बट आई विल लाइक अभी आप कोई नमस्ते नहीं बोलेगा नमस्ते हम सबकी बाद में सुनेंगे ठीक है जब एक बार आप स्टार्ट कर दिया सो देर इज नो इंटरप्शन इन बिटवीन लेकिन okay. मैम हम तो हमें तो लिंक ही नहीं मिला था अब मैंने बोल के अब लिंक लिया हमें पता ही नहीं था नहीं 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 कोई बात मैं कह रही अभी स्टार्ट हो रहा है ना तो okay, अब okay, कोई okay. नहीं बोलेगा वो बोल रही हूँ मैम ठीक है ओके ओके सो हम आज का जो टॉपिक है वो फैमिली कॉन्सुलेशन है राइट ये तीन दिन का जो वर्कशॉप है वो फैमिली कॉन्सुलेशन के ऊपर है सो so, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि ये फैमिली कॉन्सलेशन जो है वो मेरा सबसे फेवरेट थेरेपी है राइट right? हम सब में अलग अलग थेरेपी सीखी हुई हैं अलग अलग मोटेलिटीज सीखी हुई हैं और हर एक की कोई ना कोई फेवरेट होती है अपनी राइट right? सो so, मेरी फेवरेट जो है वो फैमिली कॉन्सलेशन है और मुझे पक्का विश्वास है कि जब आप इसको सीख लेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये मेरी फेवरेट है ओके okay. उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये फैमिली कौंसलेशन थेरेपी जो है वो एक बहुत ही सिंपल थेरेपी है ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है एक बहुत ही नेचुरल फ्लो है इसका और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि आपको सरेंडर करना है जब आपको सरेंडर करना है इसका मतलब क्या है कि जो भी आप सीखोगे यहाँ पे जो भी आप समझोगे वो तो इम्पॉर्टेंट है ही लेकिन उसके अलावा जो आपको दिखाई देगा या जो आपके सामने आएगा वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके सो वो जो आपको दिखेगा जो आपके सामने आएगा उस पर आपका हक या आपका हाथ नहीं है वो अपने आप इवॉल्व होके अपने आप आपके सामने आएगा ओके okay? तो ये कोई जादू मंत्र की चीज नहीं है कि हम यहाँ पे कोई जादू मंत्र देखने वाले हैं लेकिन एक तरह से जादू मंत्र है इन टर्म्स ऑफ जब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि कैसे एनर्जी फील्ड है है वो कितना आप है, कितना आपसे आपसे सुपीरियर होता या अकलमंद और कितना जानकार होता है ओके सो देर फॉर यू हैव टू टोटली सरेंडर एंड प्लीज डोंट कीप एनी ईगो सो दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू डू चाहे आप कितना भी सीख लें फील्ड विल ऑलवेज बी दूल बी मोर सुपीरियर यू ओके सो ये फील्ड जैसे मैं बोल रही थी इज नॉट द फील्ड ऑफ द फार्मिंग फील्ड बट इट इज द फील्ड ऑफ आर लाइफ ओके सो लेट इज स्टार्ट विद फैमिली कॉन्सलेशन बर्ड इट सेल्फ सो ही इज बर्ट हेलिंगर हु द फाउंडर ऑफ फैमिली कॉन्सुलेशन हर एक थेरेपी का कोई ना कोई फाउंडर होता है लेकिन बर्ट हेलेंगर ने इस थेरेपी को कैसे फाउंड किया किस प्रकार से वो उसको लेकर आए उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थेरेपी कितनी सादगी के साथ भरी हुई okay. so है ओके सो बेसिकली जो बर्ड हेलिंगर हैं वो जर्मन साइकोलॉ साइकोथेरेपिस्ट हैं और आ, उनका इनफैक्ट कल उनका डेथ एनिवर्सरी थी फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी नाइनटीन सेप्टेम्बर को So, uh, वो सैड uh, के जर्मनी से है तो उनकी एक पोस्टिंग हुई थी फॉर सिक्सटीन ईयर्स जहाँ पे एज अ मिशनरी एज अ प्रीस्ट मिशनरी जैसे फादर होते हैं राइट right? चर्चेस के फादर होते हैं ही वॉज पोस्टेड इन अफ्रीका इन अ कैथलिक चर्च थे राइट और जब वो वहाँ पे थे तो उन्होंने वहाँ पे जुलू कम्युनिटी जो कि अफ्रीका की कम्युनिटी है ट्राइब है उसको ऑब्ज़र्व किया और जब उन उन्होंने उनको ऑब्ज़र्व किया उनको देखा उनके तौर तरीके कैसे वो रहते हैं किस प्रकार से उनके फैमिली सिस्टम है ऑर्डर है प्यार का एक प्रकार का आ, फ्लो है विद इन द फैमिली और कैसे आ, हर एक चीज़ का आ, वो रेजोल्यूशन करते हैं तो उन उस उस बेसिस के ऊपर वो जब आए वापस तो उन्होंने काफी साइको एनालिस्ट के साथ काफी कुछ सीखा और फिर उन्होंने ये सारी थेरेपीज को इंट्रीग्रेट करके ये थेरेपी बनाई जो कि फैमिली कॉन्सलेशन है ओके okay? सो so, अब इसका नाम फैमिली कॉन्सलेशन क्यों है आपको क्या लगता है कि फैमिली कॉन्सलेशन नाम आ, इसलिए है क्योंकि फैमिली एक सिस्टम है राइट right? जिस तरह से आप सिस्टम इसलिए क्योंकि एक फैमिली के अंदर हर एक मेंबर्स का अलग-अलग जगह होती है अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंस होती है चाहे वह आपकी माँ हो पिताजी हो, चाहे वह आपके बच्चे हो, कभी भी बच्चे माता पिता के जगह नहीं ले लेते राइट right? भले ही वो कितने भी बड़े हो जाएं या कितने भी पावरफुल हो जाएं, हाँ हो सकता है वो अपनी सोच में सोचने लगे कि मैं अपने माता पिता से बड़ा हूँ या मैं उनसे ज्यादा पावरफुल हूँ या मुझे उनका ध्यान रखना है लेकिन प्रकृति के हिसाब से इट दैट इज नॉट द वे इट इज राइट तो जो सिस्टम है जो फैमिली का है उसका फ्लो जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसकी पोजिशन होती है लोगों को देना और जो नीचे हैं या छोटे हैं उम्र के हिसाब से और आने के हिसाब से उनका है हक मांगना या लेना राइट? वो अलग बात है कि हमको ऐसा लगता है कि कुछ उम्र बीत जाती है कि हम उनसे बड़े हो गए हैं या हम उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं या हम उनको दे सकते हैं और वो उनको आज हमसे लेना है राइट लेकिन फिर भी अगर हम देखें इवन हमारे वैदिक कल्चर में या हमारे सभ्यता संस्कृति में भी कहीं ना कहीं ये है हमारी समझ कि हमसे जो बड़े हैं वो हमेशा हमको पकड़ाते हैं हमको चीज़ें देते हैं राइट और हम उनसे लेके आगे बढ़ते हैं सो so, ये इसको फैमिली कौंसलेशन को सिस्टमिक कौंसलेशन भी बोला जाता है सो so, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि फैमिली जो है वो एक सिस्टम के समान है जैसे कि हर एक जगह की सिस्टम्स होते हैं ग्रुप्स होते हैं चाहे आपके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं नॉट जस्ट फैमिली राइट आपके कंट्री इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल अ स्टेट इज अ अ ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल पीपल सोसाइटी इज राइट एक स्पोर्ट्स में क्लब है या कोई भी एसोसिएशन है वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर एक के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं राइट right? और उस हिसाब से वो चीज़ें फॉलो होती हैं सिर्फ फर्क क्या होता है कि फैमिली में आप पैदा हुए हो आपकी क्योंकि आप पैदा हुए हो आप उस सिस्टम को बिलोंग कर रहे हो राइट लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पैदा नहीं होते हो ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हो कभी भी आप निकल सकते हो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिस प्रकार से कोई भी बड़े औहदे पे भी ज्वाइन कर सकता है और छोटे औहदे पे भी ज्वाइन कर सकता है लेकिन फैमिली में ऐसा नहीं होता है फैमिली में जो बड़ा भाई है वो पैदा बड़ा वो पहले पैदा हुआ है इसलिए बड़ा है नहीं इसलिए नहीं कि, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है या इसलिए नहीं कि वो उसकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो फिक्स्ड है राइट right? करेक्ट तो वो ऐसा नहीं कि दूसरा जना बाद में जॉइन करेगा लेकिन फिर भी वो उससे बड़ा है राइट right? सो so वो बाय डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग अ फैमिली होता है राइट सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैमिली एंड एनी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई और सिस्टम वहां पे ये डिफरेंस आ जाता है अदरवाइज ऑल ऑफ दीज आर सिस्टम्स ये सारे जो है ग्रुप्स जिस भी तरह के ग्रुप्स हैं वो सारे सिस्टम्स हैं राइट सो अब जो फैमिली सिस्टम की बात करते हैं हम फैमिली कॉन्सलेशन की बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्ट हेलिंगर हैं उन्होंने जुलू कम्युनिटी को ऑब्जर्व किया तो ये उनकी फोटो है और जैसे मैंने बोला कि उनकी डेथ एनिवर्सरी कल थी फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी थ्री ईयर्स ओल्ड और अभी भी बर्ड हेलिंगर इंस्टीट्यूट है नैदरलैंड में और ये फैमिली कॉन्सलेशन बहुत जगह पे पढ़ाया जाता है इट इज़ वन ऑफ अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव कोर्स वर्ल्ड वाइड अगर आप इसके बारे में पढ़ें या कहीं पर भी ज्वाइन करने का सोचें तो आप देखेंगे तो ये इट्स नॉट समथिंग विच इज अवेलेबल चीपली और या इट्स नॉट लाइक अ थेरेपी विच इज स्टॉट बाई एवरीबडी सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ के आप जितना इसको यूज करेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आप सेशन्स करेंगे उतनी ही आपके अंदर वो बढ़ोतरी हुएगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज राइट सो सीखना एक तरफ है और एक है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सो so, uh, अबाउट uh, about... जैसे मैं फील्ड की बात कर रही हूँ इतनी देर से तो मैं कह रही थी कि फील्ड है फील्ड है तो आपको लगता होगा कि फील्ड क्या है राइट right? तो फील्ड का मतलब है कि देर इज हमारे आसपास जो भी स्पेस है जैसे आप हैं मैं हूँ हम एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं राइट right? इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं इस प्लानट पे एग्जिस्ट करते हैं एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन चाहे मैं कहीं पे भी बैठी हूं या कहीं पर भी हूं अगर मुझे प्रमोद जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अगर प्रमोद जी के तरह उनकी स्पेस को ऑक्युपाई करती हूँ मतलब फील्ड में मतलब एक सपोज आप अपना कमरा भी सोच लो या एक स्क्वायर फीट सोच लो या कोई भी ऐसी जगह देख लो जो कि आप एक डायमेंशन के अंदर डिवाइड कर रहे राइट तो उसकी एक आप बाउंड्री बना रहे हो तो ये आपका एक फील्ड हो प्रमोद जी। तो क्या मुझे उनके बारे में पता चलेगा तो आप सरप्राइज हो कि हाँ मुझे पता चलेगा इसका मतलब है हम सबकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे आसपास है सिर्फ हमको उसको ट्यून इन करने की ज़रूरत है सिर्फ उसको टैप इन करने की ज़रूरत है सिर्फ उसको चैनल करने की ज़रूरत है सिर्फ ट्रांस में उससे कनेक्ट होने की जरूरत है दैट्स ऑल जैसे ही हम वो स्पेस में खड़े होते हैं उस जने की पोजीशन में खड़े होते हैं जो भी वो जना सोच रहा है जो भी वो जने के अंदर विचार है जो भी उस जने ने फेस किया है जो भी वो जने का फ्यूचर है या पास्ट है या प्रेजेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हमारे पास आ जाती और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई अजूबा चीज करनी पड़ती है या मुझे कुछ तांत्रिक विद्या यूज करनी पड़ती है या कहीं से कुछ मंत्र जाप करने पड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है सिंपल जस्ट सर एज आई से जस्ट सरेंडर जस्ट फील दैट यू आर देयर एंड व्हेन योर माइंड इज क्लियर वेन यू हैव नो अदर था इमीडिएटली एवरी थिंग यू विल स्टार्ट विजुलाइजिंग एज हिम सो किसी भी जने का अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोग जो जीवित हैं उन्हीं का कर सकते हैं जो जीवित नहीं है उनका भी कर सकते हैं राइट right? तो इसका मतलब है कि जो भी इस धरती पर आए हैं जो भी यहाँ पर कभी रहे हैं जिन्होंने भी कुछ क्षण भी यहाँ पर बिताए हैं राइट right? उन सब का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है दैट मीन्स ऑल्सो चिल्ड्रन हैव बीन अबोटेड चिल्ड्रन मे हैव बीन मिस कैरेज चिल्ड्रन मे नॉट हैव फाउंड देयर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड राइट करेक्ट सो इसका कहना ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है किसी की आवाज तो ऑन है कौन किसका ऑन है बिकॉज कंटिन्यूसली देर इज अज सो so, इसका मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फील्ड है राइट right, वो सारा कार्य वही कर रहा है इसीलिए उसको हम नोइंग फील्ड बोलते हैं राइट टॉकिंग फील्ड बोल लीजिए नोइंग फील्ड बोल लीजिए नॉलेज फील्ड बोल लीजिए लर्निंग फील्ड बोल लीजिए मॉर्फेजेनिक फील्ड बोल लीजिए एज पर अंस टर्म राइट दिस फील्ड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस और वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हमें किसी टेक्निक की जरूरत नहीं ओके okay? तो फिर टेक्निक हम क्या सीखने वाले हैं यहां पे? अगर हमको फील्ड में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो सिंपल है हम में से सब लोग घर जाके खड़े हो सकते हैं और इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं राइट right? वो तो ठीक है इन्फॉर्मेशन जब आपको कोई दे दी जाती है या आपके पास आती है आप उसका कैसे उपयोग करें वो न इम्पॉर्टेंट चीज़न नॉलेज एंड विजडम तो हर के पास अवेलेबल है लेकिन उस विजडम को इस प्रकार से यूज करना जिससे वो सही मकसद तक पहुँच सके वो उसका कार्य है तो वो आप यहाँ सीखने वाले सो so, आप जो फैमिली कौंसलेशन में सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या बता रही है और उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिससे कि जो जना जो अचीव करना चाहता है लाइफ में वो उस तक पहुंच सके राइट करेक्ट सो आपका फील्ड आपको किसके थ्रू टिक सिखा रहा है इट इज टीचिंग यू थ्रू द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या जो जना जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके जिस जने को दर्शा रहा है जिस बारे में जिस इवेंट जिस सिचुएशन, जिस ऑब्जेक्ट जिस फीलिंग जिस इमोशन को दर्शा रहा है राइट सो इट्स नॉट नॉट नेसेसरी कि वो एक सिर्फ आदमी को दर्शा सकता है वो किसी इवेंट को भी दर्शा सकता है किसी सिचुएशन को भी दर्शा सकता है किसी इमोशन को भी दर्शा सकता है किसी मैजिक एंटिटी को भी दर्शा सकता है किसी एनसेस्टर को भी दर्शा सकता है ये डिपेंड करेगा कि आप वो फील्ड के अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप किसी चीज को भी इनमें से रिप्रेजेंट कर सकते हो पर ऑब्वियसली आप किसको रिप्रेजेंट करोगे विट विल बी डिपेंडेंट ऑन वॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सिटर जो सिटर हमारे आया मीडियमशिप में तो सिटर को यहाँ पे बोलते हैं सीकर जो जना इंफॉर्मेशन चाहता है राइट right? सो so, जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा वो क्लाइंट को कुछ जरूरत है कुछ सीखना है कुछ पता लगाना है कुछ देखना है कुछ समझना है राइट right? तो वो उसके पास एक इशू है उसके पास एक प्रॉब्लम है क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो आपके पास कोई नहीं आएगा ना राइट right? जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी जब हमें कोई चीज पता लगानी होगी जब हमें कोई चीज को बदलना होगा किसी परिस्थिति को तो ही हम किसी के पास जाते हैं ऐसे ही तो जान मुझके के नहीं जाएंगे कि आप ऐसे ही करने के लिए चलो फैमिली कॉन्सुलेशन कर लेते हैं नहीं फैमिली कॉन्सुलेशन का एक पर्पस होना चाहिए right? so, इसका पर्पस क्या होता है आपका इंटेंशन होता है okay? सो so, जैसे मैंने अभी आपको नॉलेज uh, फील्ड के बारे में बोला तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये एक डिवाइन की मैनिफेस्टेशन है जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो एक एनर्जी की फील्ड की uh, uh, दूरदर्शी है जो हमको दिखाई दे रही है और वो हमसे बहुत बड़ी है तो इसीलिए मैंने कहा कि समर्पण का ख्याल अपने दिमाग में हमेशा रखें, ओके? Okay? और फील्ड आपको सिखाएगा थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट आपके पास आए और वो कुछ देखना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कुछ अलग ही चीज दिखाई दे रही सो so, इस थेरेपी में और वैसे भी हम हर एक थेरेपी में एनर्जी से फील्ड से जो रिलेटेड होती है उसमें ये आपको विश्वास रखना चाहिए कि जो भी आपको दिख रहा है वही आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वही चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या आपके अंदर कैपेबिलिटी है हैंडल करने की जो चीज़ आपको दिखाने का से पर्पस सॉल्व नहीं होगा उल्टे शायद आपको प्रॉब्लम ही होगी या जिस चीज को अभी छुपे ही रहना है वो फील्ड कभी नहीं दिखाएगा ओके okay? सो so अगर आप ये सोच के आओगे एज अ क्लाइंट कि मुझे ये चीज ये 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 चीज देखनी है और आपके मन में ऑलरेडी ये विश्वास है कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ जो भी इश्यू हो रही है वो एक पर्टिकुलर वजह जने की वजह से हो रही है या एक पर्टिकुलर वजह की वजह से हो रही है या एक आ, कोई जना है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या मुझे पोजेस किया है या मेरे साथ कोई गड़बड़ कर रहा है और फिर आपको फील्ड में वो नहीं दिखाई देता कुछ और दिखाई देता है तो उसमें अचंबा होने की ज़रूरत नहीं है उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जो फील्ड दिखा रहा है वो गलत है क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए तो आप फील्ड को फोर्स नहीं कर सकते कुछ आपको दिखाने के लिए वो आपको जो भी दिखाएगा वो ही सत्य है जो होता है, वो ही हमको फ्री करता है जब हम ट्रुथ को देख लेते हैं जब हम उसको सत्य को समझ लेते हैं तब हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं लेकिन सत्य को फेस करना बहुत आसान काम नहीं होता है सबके लिए इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप कोई फील्ड सेटअप करें किसी क्लाइंट के लिए वो शायद सेटिस्फाइड ना हो क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा हो वो उसे मिला नहीं या जैसा वो चाहता था हो वैसा नहीं हुआ राइट लेकिन फील्ड जो है उसमें जो हम फैमिली कॉन्सलेशन करेंगे जब थेरेपी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है it is something which is very simple and you have to go with the minimization in the sense कि जो words use होते हैं जो sentences इस्तेमाल होते हैं जो कहा जाता है सुना बताया जाता है वो ऐसा नहीं कि भर 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 के चीज़ें बताई जाती हैं सिर्फ जो पूछा जाता है जो आपको महसूस होता है उनको जहाँ तक पॉसिबल हो बिना ड्रामा किए सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में कन्वे किया जाता है ओके सो इसमें कोई लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज या बहुत वो नहीं है इट इज जस्ट प्योर इमोशंस एंड फीलिंग्स जो आप बताते हो जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो आई एम एंग्री अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आई फील बैड राइट ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया इट इज़ नथिंग कि नहीं नहीं मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है मैं तो सोच रही थी उसको एक थपड़ा लगा के ये कर दूँ वो कहाँ से भाग के आ गया क्या कर लिया सो so, ये सब उसमें नहीं होता है लेकिन फिर भी आपके वो कभी ऐसे इमोशंस आ सकते हैं जहाँ आपको महसूस हो कि आप रियली फील लाइक हिटिंग समवन आई रियली फील लाइक किकिंग हिम ऐसा हो सकता है कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन आए आप उसको एक्सप्रेस करते हो जो भी आपको हो रहा है तो इसमें ये नहीं कि आप संकोच करके या छुपा के आप कोई चीज को अलग तरह से एक्सप्रेस करते हो जो भी आपको दिखता है आपको जब पूछा जाता है उसी हिसाब से आप बताते हो ओके सो ये आ, इस तरह से कॉन्सलेशन की जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल और सरल है ओके सो आप क्वेश्चन है कि इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन लोग हुए इसके अंदर एक आपका क्लाइंट हुआ एक हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक हुआ फैसिलिटेटर, राइट सो so ये तीन जने हुए इसके अलावा तो आपका अफकोज फील्ड है राइट सो so वो जो जगह है जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हो जिससे आप ऑपरेट कर रहे हो राइट अब हम सब ऑनलाइन बैठे हैं राइट सो देर इज एज सच नो पब्लिक प्लेस ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई रूम है जहां हम सबके सब, सब खड़े हैं और हम वहां पे कर रहे हैं तो पहले जब ही कॉन्सुलेशन होते थे जो कि ऑनलाइन नहीं होते थे तब इसी प्रकार से होते थे कि वहाँ पे वो कोई भी जगह पे लोग खड़े होते थे मिलते थे और वहाँ पे जैसे कि कारपेट है तो ये कारपेट के अंदर इतने हिस्से के अंदर उनका फील्ड होता था और उस हिसाब से वो रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे खड़ा करते थे अब रिप्रेजेंटेटिव कौन है किस प्रकार से चु, चु चुना, चुनाव होता है उनका किस तरीके से उनको चुना जाता है कौन चुनता है तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट तो रेप्रेजेंटिंग जो है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव तो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपका क्लाइंट आ गया क्लाइंट को ये कुछ पता लगाना है क्लाइंट को पता लगाना है तो उसमें उसके जो पता लगाना है वो चाहे मम्मी पापा के बीच में क्या प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम है बच्चे और माँ के बीच में क्या प्रॉब्लम है मनी और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है करियर में आपकी क्या प्रॉब्लम है बॉस और आपकी क्या प्रॉब्लम है बहुत सारे अलग अलग तरह के इश्यूज हो सकते हैं So, आप जो रिप्रेजेंट करने वाला है मतलब वो क्या करने वाला है वो आपकी माँ को और कोई रिप्रेजेंट करने वाला है कोई आपके पिताजी को रिप्रेजेंट करने वाला है कोई आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करने वाला है डिपेंडिंग ऑन आपका इंटेंशन क्या है अगर आपका इंटेंशन पैसे के साथ है आपका इंटेंशन करियर के साथ है आपका इंटेंशन आपके बॉस के साथ है तो उस हिसाब से अलग अलग जने होंगे जो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे राइट करेक्ट तो इसका मतलब कि उतने जने हमको चाहिए सो so, अफकोर्स उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कितने जने हमें चाहिए और कैसे उन जनों का चीज को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने सारे जनों को जमा करना फिर तो राइट right? लेकिन वो चीज के ऊपर हम लोग अभी बताएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर हमने जैसे इंटेंशन हमारा चूज हो गया पता लग गया हमारे क्लाइंट ने हमको बोल दिया तो अब हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन का करने का तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो किसी का भी चाहे मम्मी का पिताजी का जो आपकी मम्मी पिताजी नहीं है किसी और के मम्मी पिताजी तो क्या उसके लिए मेरे अंदर कोई स्किल होनी चाहिए क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसे उनकी माँ के बारे में बोलूंगा मुझे अपने आप तो सपना नहीं आ जाएगा कि उनकी माँ कैसी है उनके पिताजी कैसे राइट सो right? ऐसा so, नहीं है since मैंने बोला कि फील्ड इज नोज एवरीथिंग एंड देर इज मॉर्फोजेनिक फील्ड जिसके अंदर सबके बारे में इंफॉर्मेशन है हमको सिर्फ उसमें इन करने है right? राइट तो इन का मतलब क्या कि मुझे कुछ छूना पड़ता है नहीं आपको कोई छूना भी नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ एहसास करना पड़ता है कि आप उसकी जगह में खड़े हो राइट right? सो so, ये एक स्किल कोर्स है स्किल इसलिए है क्योंकि आपको एक प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको कितना बोलना है कहाँ बोलना है किस तरह से बोलना है राइट right? और कहाँ किस हद तक जाना है राइट right? तो वो ऑब्वियसली अगर आप उसको जैसे जैसे आप अटेंड करते हो सेशंस वैसे वैसे आप उसमें निपुण होते जाते हो उसमें बेटर होते जाते हो राइट सो दैट ऑफकोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग लेकिन हम सब की खुद की स्टोरीज भी होती हैं जैसे सुषमा जी की भी कोई स्टोरी होगी मेरी भी कुछ स्टोरी होगी राइट अभी अगर हमारा क्लाइंट लेकर आया कि एक सास और बहू के बीच में पटती नहीं है और वो पता लगाना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि हम भी सास हैं और हमारी भी बहू है और हमारी तो हमारी बहू से पटती नहीं तो फिर हम सोचें कि जो हमारे रीज़न है ना पटने का तो क्लाइंट का भी वही रीजन होना चाहिए और फिर हम जब वो फील्ड में खड़े हों चाहे वो सास को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप बाबू को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमारा जो एक्चुअल इमोशन है उस चीज को लेकर जो हम महसूस करते हैं वो वहां पे फ्लो होने लग जाए और हम उनकी सास को रिप्रेजेंट करने के बजाय अपने आप को रिप्रेजेंट करने लग जाए ऐसा हो सकता है ना क्योंकि इमोशन तो हमारे हैं तो वो कभी भी बाहर आ सकते हैं हमें क्या पता कि इमोशन हमारे हैं कि उसके हैं राइट right? सो so therefore we वी मस्ट लर्न to टू between बिटवीन हमारा और उसका अब ये तकनीक हमको कैसे पता चलेगी कि ये हमारा है या उनका है तो उसमें आपको फिकर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तकनीक जो ये जो डिफ्रेंसीशन है वो आपका फैसिलिटेटर समझ सकता है आप बोलोगे कैसे समझ सकता है क्योंकि फैसिलिटेटर वो जना होता है जैसे कि क्लास की एक टीचर है मॉनिटर है, वो कैसे एक फ्लो को जानती है किस प्रकार से क्लास के अंदर हर कोई को किस तरह की कितनी इजाजत देनी चाहिए और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है समझ में आ जाता है ना उसी प्रकार से एक फैसिलिटेटर को लुकिंग एट द सिनेरियो चीज समझ में आ जाती है कि कहां पे आप मेंटल जा रहे हो और कहां पे आप नॉलेज के हिसाब से जा रहे ओके? सो okay. so ये पता लगने में मुश्किल कार्य नहीं है ये आसानी से दिखाई दे जाता है और ऑफ कोर्स कई बार ऐसा भी होता है कि फैसिलिटेटर को क्लाइंट की स्टोरी ऑलरेडी पता होती है पर वो रिप्रेजेंट खुद नहीं करता है तो वो जब रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ बोलते हुए सुनता है तो वो समझ सकता है कि कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अपने बात कर रहा है और कहाँ पे वो क्लाइंट की बात कर रहा है क्योंकि जो भी क्लाइंट लाइफ में एक्चुअली हो रहा है फील्ड में वही चीज ज्यादातर दिखाई देगी अनलेस कि वो सबकॉन्शियस माइंड की कोई चीज है जो कि क्लाइंट ने हमें बताई नहीं है right? राइट क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना अगर मैं आज सुषमा जी से पूछूं या आज मैं निशा से पूछूं निशा तुम्हारी मम्मी कैसी है तो निशा बोलेगी हाँ मेरी मम्मी तो वो अपने ओपिनियन के हिसाब से बोलेगी जो वो महसूस करती है अपनी मम्मी के बारे में जरूरी नहीं है कि वो सही हो राइट पर उसका एक्सपीरियंस उसकी माँ के साथ ऐसा है तो वो बोलेगी कि मेरी माँ तो बहुत खराब मेरी माँ तो अच्छी नहीं है उनके बहुत नखरे हैं लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं इसकी माँ तो कितनी सीधी सादी है कभी कुछ बोलती ही नहीं है कभी कुछ कहती ही नहीं है राइट सो so, हर जने का अपना एक इंप्रेशन होता है अपने एक रिलेशन के बारे में होता है कि नहीं और इसके अलावा भी हमारा एक और इम्प्रेशन होता है जिस बेसिस पे हमने सुना है आज तक जो भी हमको बताया गया है अगर हमारे पिताजी सोचते हैं कि हमारी माँ अड़ियल है तो हमें लगता है कि हाँ हमारी माँ तो अड़ियल है उसको अकल नहीं है उनको अकल नहीं राइट right? करेक्ट अगर हमारी दादी ने हमको ये शुरू से बोला है कि तेरे पिताजी को को कोई समझ ही नहीं, तो कहीं कहीं ना कही हम उस चीज विश्वास कर लेते हैं Correct or no? so, इसको बोलते हैं एक फैमिली स्टोरी जो कि हम सबने सुनी होती है और उसी हिसाब से हमने अपनी ओपिनियंस हर एक जने के बारे में बनाई होती है परिवार में और उसी को हम सच मान के चलते हैं के हम उस दर्जे पे उस जगह पे पहुंच पाए जहां हम डिफरेंट कर डिफ्रेंशियट कर पाए कि जो दूसरा जना बोल रहा है वो उसका परसेप्शन है वो सही नहीं मेरी माँ तो अलग है जो कोई बता रहे हैं वो वैसा नहीं राइट करेक्ट सो ये इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन में अगर आप अपने थॉट्स डाल रहे हो अपनी चीजें डाल रहे हो अपनी प्रतिक्रिया डाल रहे हो तो वो दिखाई दे जाए। इफ इट्स नॉट वॉट द फील्ड इज शोइंग ओके सो पर फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर रखिए अपने इश्यूज को उसमें इन्वॉल्व नहीं करें अपनी चीजों को उसमें मिक्स नहीं करें राइट right? अपने थॉट प्रोसेस को उसमें नहीं डालें दैट मीन्स वॉट कि यू आर अगेन सरेंडरिंग टू द फील्ड जो फील्ड दिखा रहा है आप बस वही बोल रहे हो आप अपनी स्टोरी नहीं बोल रहे हो राइट सो रिप्रजेंटेशन जो है वो एक सीक्रेट जॉब है जैसे हम बोलते हैं ना मीडियमशिप इज सीक्रेट हम लोग सब सीख रहे हैं मीडियमशिप उसमें हम कहते हैं कि मीडियमशिप जो है वो एक सीक्रेट चीज है हमें उसका उसकी पायसनेस की उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए उसी प्रकार से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको ये समझ के चलो कि आप एक फील्ड की वाणी बोल रहे हो जो कि सच की वाणी है और आपको उसमें कुछ और मिक्स नहीं करना है राइट सो इट इज ऑफकोर्स अ गिफ्ट अगेन बट इट्स नॉट डिफिकल्ट मुश्किल नहीं है आसान है आसानी से हो जाता है तो रिप्रेजेंटेशन को कौन चूज करता है क्या एक फैसिलिटेटर चूज करता है मतलब फैसिलिटेटर है जो कि टीचर है तो क्या टीचर चूज करेगी मॉनिटर कौन बनेगा क्लास के ये कंट्रोल कौन करेगा या जो जना वो पर्टिकुलर केस को कराने को आया है वो चूज करे तो यूजुअली हम ये चॉइस एक फैसिलिटेटर को नहीं क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट को हम बोलते हैं कि आज आपके सामने सुषमा जी रिप्रेजेंट करने वाली है निशा जी रिप्रेजेंट करने वाली है पदमा जी रिप्रेजेंट करने वाली है अब आप बताइए इनके अंदर से आपको किसको कौन सा रोल देना है कौन जना किसके को रिप्रेजेंट करे राइट right? उससे क्या होता है अब कई बार क्लाइंट ऐसा बोल देता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा किसको बोलूं आप ही कर दो ना सो इट इज पॉसिबल कई बार ऐसे फैसिलिटेटर भी अपॉइंट कर देता है रिप्रेजेंटेशन को पर इट इज नॉट कि मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं आई वॉन्ट टू बी द मदर आई वॉन्ट टू बी द फादर आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस तो इस तरह से नहीं होता है इट इज बट एट द सेम टाइम आप कई बार रिफ्यूज कर सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको चांस ही नहीं मिले अब जैसे चार जने खड़े हैं लेकिन आपका चांस आया ही नहीं क्योंकि uh, आप एज अ फील्ड जो है अगेन वो इंट्यूशन फील्ड है राइट right? सो so उसमें वो किसको चाहता है कौन किसको रिप्रेजेंट करे वो ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है राइट सो इट्स लाइक अ मैजिक ओनली एवरीथिंग जस्ट हैपेंस लाइक दैट यू नो किसको क्या सीखना है कभी कभी ऑब्जर्वर होते हैं कई कई बार जो आपके फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बाद में बोलते हैं कि अरे ये इशू तो मेरे साथ भी था मैं भी कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन की तरफ देख रही थी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा था जो इस फील्ड ने मुझको सिखा दिया राइट right? सो so, आप किस इशू के लिए आते हो किस पर्टिकुलर सेशन के लिए आते हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके हो सकता है फ्रेंड्स हैं या नेटवर्क में लोग हैं वो लोग काफी सेशंस करते रहते हैं जरूरी नहीं है कि आप हर एक सेशन में आ जाओ राइट एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेकिन कभी कभी होता है कि आपके मन में होता है नहीं नहीं मुझे ये सेशन के लिए जाना है आपको पता नहीं वो सेशन किसके लिए क्योंकि ज्यादातर जो फैसिलिटेटर होता है वो पहले से क्लाइंट कौन क्लाइंट है और कौन इशू के ऊपर क्लाइंट आ रहा है ये चीज अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बताता बिकॉज इट इज नॉट समथिंग वेयर यू हैव टू मैनिपुलेट द फील्ड या आपको पहले से उसके बारे में सोचने की जरूरत है इट शुड बी समथिंग विच हैपन्स इंस्टेंटली जो उसी समय पे होता है राइट right? तो ना ही क्लाइंट कभी भी कोई भी चीज के बारे में बाद में बात की जाती है ना ही उसके पहले बात की जाती है ना उस समय पे बात की जाती है यू जस्ट अलाउ एवरीथिंग टू अनफोल्ड और जैसे जैसे वो अनफोल्ड होती है अफकोर्स क्लाइंट का रिएक्शन होता है क्लाइंट उसमें बोल भी सकता है बीच में और क्लाइंट कोई सुझाव भी दे सकता है कह भी सकता है नकार ना, आ, किसी चीज से नकार भी सकता है कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है ये सब भी होता है पर उसके बावजूद जो आपको महसूस हो रहा है वो आपको महसूस हो रहा है आप उसके हिसाब से अपना स्टैंड को चेंज नहीं करते हो राइट सो आर टाइम्स जैसे अभी ये ही सेशन ये ही सेशन करने से पहले ही मैंने अभी एक सेशन किया था तीन चार घंटे और उसमें ऐसा हो रहा था कि जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था वो रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट से बहुत फर्क जा रहा था जो क्लाइंट के हिसाब से उसकी एनर्जी नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर आ रही थी सो क्या मैं बोलूं कि उस टाइम पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो आप बंद कर दो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव पिक नहीं कर रहे हैं यू you नो know, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेटिव को आपने किया है जैसे कि सपोज मैंने प्रमोद जी को बोला कि प्रमोद जी आप जो है आप नंदिनी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो बट प्रमोद जी जो है खड़े हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है वो ब्लैंक है बोलते मुझे कुछ नहीं मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो इस समय पे हो सकता है कि देर इज इशू विद द विद द प्रॉब्लम कि वो नहीं दिखना चाहती है ये भी हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करके दूसरा जना शायद कुछ बोल पाए ये भी हो सकता है सो इट इज अप टू द कॉल ऑफ द फेसिलिटेटर कि वो जब ये देखता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी ग्राउंडिंग नहीं होती है अब सपोज कि मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ लेकिन मैं खुद सेटल नहीं हूँ अपनी एनर्जी में और कहीं ना कहीं मेरा माइंड बहुत वेवरी है तो ये हो सकता है कि मैं उस टाइम वो ट्यून इन नहीं कर पा रहे चैनलिंग नहीं कर पा रहे राइट सो दैट सिचुएशन कैन ऑल्सो ओके सो देर इज नथिंग टू फियर इन दिस फील्ड इन दिस थेरेपी आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज आपको नहीं दिखती है दिखती है बोल दो सीधे सीधे देर इज नथिंग के यहाँ पे कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि नहीं आपको ऐसे होना चाहिए था या आपने इंसल्ट कर दिया या आपने गलत कर दिया आपने जो दिखाया वो सही नहीं था आप गलत कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं है सो एज आई सेट कि इससे पहले ही था तो उसमें बहुत सारी चीजें एंड तक बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही अलग चल रही थी उसका डायरेक्शन ही कभी कभी आपको फील्ड इतना कंफ्यूज कर देता है कि वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे ले जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे वो चीजों को ज्वाइन करो पर जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो और अगर आपने अपने आपको फील्ड को सरेंडर किया हुआ है तो आप देखोगे कि आपके सामने वो उपाय वो चीजें अपने आप धीरे धीरे आने लग जाएंगे इसीलिए फैसिलिटेशन इज सर्टनली एन आर्ट क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कैसे कैसे चीजों को एक साथ इंट्रोड्यूस करो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करो एलिमेंट को लेके आओ कहाँ पे किस एलिमेंट को बाहर करो राइट लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव इज जस्ट सरेंडरिंग एंड फॉलोइंग व्हाट द फैसिलिटेटर टेलिंग ओके उसको अपना दिमाग अपनी चीज कुछ नहीं आगे बढ़ानी लगानी पर उसको सिर्फ अपने आप को सेटल रखना है अपने आप को एनर्जी फील्ड के अंदर रखना है ट्रस्ट करना है और फिर अपने आप चीज होती जाएगी ओके सो okay. so, आप जब रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में खड़ा होता है और जब वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसको सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं क्योंकि सवाल का पूछने का तरीका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी के हिसाब से वो फ्लो आगे बढ़ेगा राइट right? सो so, जब आप किसी को भी रिप्रेजेंट कराते हो ऑब्बियसली उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है एक सब कैरेक्टर्स होते हैं सो so, अगर क्लाइंट है वो खुद मेन कैरेक्टर है और उसके आसपास उसकी फैमिली मेंबर्स हैं तो वो अलग अलग लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूजुअली हम क्लाइंट से पहले स्टार्ट करते हैं मतलब जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर राइट right? पर अगर वो रेडी नहीं है तो जो भी जना अपना हाथ पहले उठाता है कि मैम मुझे बात करनी है या मुझे पहले कहना है या मुझे कुछ दिख रहा है वो जना स्टार्ट करता है और धीरे 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 वो स्टोरी बिल्डअप होने लगती है ओके okay. सो so, आप देखोगे इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती है तो इसलिए इट्स नॉट अ प्लान एफर्ट इसको कभी भी प्लान करके मत चलिए कि मैं इस तरह से जाऊंगी मैं ये ये चीजें कवर करूंगी मेरा फ्लो ऐसा होगा वो कभी भी इट विल नॉट वर्क अगर आप एक्चुअल चीजों को चाहते हो बाहर आना अगर आप चाहते हो कि हिडन डायनामिक्स दिखाई दे तो फिर आपको जस्ट विद द फ्लो ऑफ द एनर्जी जाना है देर इज नो प्लानिंग रिक्वायर्ड इन दैट एंड स्लोली स्लोली इट विल फॉर्म इट्स ओन सेल्फ द रूट हाउ इट हैज टू गो राइट सो इसके अंदर ऑब्वियसली फिर आप क्वेश्चन क्या पूछोगे सो यू विल आस्ट द ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे कि अगर आप प्रमोद जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मदर को तो मैं प्रमोद जी से पूछूंगी फिर आप एज ए मदर क्या लग रहा है आपको सो वॉट आर यू फीलिंग हाउ आर यू फीलिंग प्रमोद जी सो अब मैं उनको प्रमोद जी रेफर करूंगी कि मदर रेफर करूंगी सो आई विल रेफर टू हिम एज मदर ओके जो भी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको उसी नाम से उसी तरीके से रेफर किया जाता है तो उस तरह से रेफर करते हैं तो वो जने को अचंबक होने की जरूरत अचंबित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जना उस एनर्जी से फिर कर रहा है तो अगर हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो क्या होगा कहीं ना कहीं फिर हम उस जने को उसकी एनर्जी से अलग कर रहे हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so इसके लिए जरूरी है कि वो जना उसी एनर्जी में रहे उसी रोल में रहे और इसीलिए हम उसको जैसे आप फिल्म स्टार्स होते हैं फिल्म फिल्म में वो काम करते हैं तो अगर वो अमर बने हैं किसी में तो फिर हम उनको बोलते हैं कि हाँ अमर ने ये किया क्या हम ये बोलते हैं अमिताभ बच्चन ने ये किया हम बोलने लगते हैं कि हाँ अमर जो है उसका रोल ये था राइट बट ऑफकोर्स वो रोल प्लेइंग अलग चीज होती है सो इवन इफ ये रोल प्लेइंग की तरह है पर वहां पे एक स्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी दे दी गई है और यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट नहीं दी गई है स्क्रिप्ट अपने आप इवॉल्व हो रही है सो देर इज अ डिफरेंस देर राइट सो हम जब भी रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस करते हैं तो वी एड्रेस एज दैट रोल विच पर्सन और दैट आइडेंटिटी ऑफ दैट फील्ड जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है सो एज अ मदर फादर डॉटर अंकल एनसेस्टर मनी एंटिटी आप इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों को हम बताना नहीं चाहते सो वी कैन इंट्रोड्यूस दैम एज ब्लाइंड सो ब्लाइंड कॉन्सलेशन मतलब कि प्रमोद जी को पता नहीं है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंदिनी जी को पता नहीं है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि उनको ये बोला नहीं गया कि आप मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप फादर को रिप्रेजेंट कर रहे उनको एक एनर्जी असाइन की गई है जो कि फैसिलिटेटर असाइन करता है जस्ट लाइक टेलीपैथिकली ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी इन टू दैट पर्सन राइट कनेक्टिंग दैट पर्सन टू दैट एनर्जी और फिर वो पर्सन अपने आप वो महसूस करने लगता है और वो बोलता है कि यस आई एम फीलिंग लाइक दिस तो जब क्लाइंट पूछ जब वो फैसिलिटेटर पूछता है कि आप क्या मदर की आप मतलब ये नहीं बोलता है मदर की लेकिन जब वो पूछता है तो धीरे धीरे वो अपने आप रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मदर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है मैं अपने आप को इस तरह इस एज में पा रहा हूँ राइट सो ब्लाइंड कॉन्स्टलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं मैंने कई बार ब्लाइंड कॉन्सलेशन किए हैं एंड इनिशियली ऐसा लगता था कि ब्लाइंड कॉन्सलेशंस में ऐसा हो सकता है कि मे भी कभी कभी पर्सन कैच नहीं कर पाते एनर्जी या कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वो जो वेग किसी अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं लेकिन ऑफ लेट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग के ब्लाइंड कॉन्सलेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दैट वेरी ऑफन इन माई सेशंस लेकिन उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये देखना है कि आप अच्छी तरह से उसको ट्रांसफर कर रहे हो एनर्जी को दैट पर्सन इज एक्चुअली रिसीविंग इट एंड जो भी टर्म्स या जो चीजों को आप यूज कर रहे हो वो वेग टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज द पर्सन में गो इन टू अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग यू नो जो कि जैसे कि अभी मनी है अब मनी हर एक जने को अलग अलग तरह से दिख सकती है कोई बोलेगा कि मुझे कुछ हरा रंग दिख रहा है मुझे कुछ लग रहा है कि जैसे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है राइट right? बट कई लोग आप देख रहे हो हम जब मीडियमशिप में भी बात करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं वर्ड बोलते हैं राइट right? तो दूसरा जना वो वर्ड को कैच कर लेता है है ना हमने टेलीपैथी में भी एक्सरसाइज की थी तो उसमें था ना शालनी uh, uh, exactly वो ना शालनी ने अः एग्जैक्टली वो वर्ड को कैच कर लिया था राइट सो ऐसा हो हो सकता है कि यू कैन जस्ट यू नो सो ब्लाइंड कॉन्सलेशन में यू डोंट नो होम यू आर रिप्रेजेंटिंग आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको ये पता नहीं ओके okay, uh, फिर आपको हम सबको मालूम है कि हमारी एक फैमिली जिसमें हम पैदा हुए हैं right? राइट हम सबकी बर्थ फैमिली है सो वो हम फैमिली ऑफ ओरिजिन बोलते हैं सो so, एक फैमिली हमारी जिसमें हम पैदा हुए एक फैमिली जिसमें हम जाते हैं जो प्रेजेंट फैमिली है जिसमें हमारे हस्बैंड हैं हमारे अदर फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चे हैं सब लोग हैं राइट सो बर्थ फैमिली जो है उसका भी अपना एक क्राइटेरिया है आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसका भी अपना एक क्राइटेरिया है किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये जैसे जैसे आप फैमिली कॉन्सलेशन पढ़ेंगे उसके बारे में आपको ये सब बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर हावी है कौन सी चीज़ किसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है किस चीज़ को हम ज़्यादा मायने रखते हैं वो सब आपको बताया जाएगा लेकिन एक चीज़ जो बहुत फिक्स्ड है कि जब आप किसी फैमिली में पैदा हुए हो तो जो फैमिली का फेट है वो आपका फेट है इनिशियली करेक्ट है कि नहीं है so, सो अगर आप एक धीरू भाई अंबानी के फैमिली में पैदा हुए हो या आप अपनी कोई फैमिली में पैदा हुए हो आपको पता है कि आपके पिताजी के पास कितना पैसा है या उनका क्या औहदा है और उस हिसाब से वो औहदे में उस फेट के अंदर कहीं ना कहीं आपका भी कुछ हिस्सा है आपका भी कुछ कार्मिक और कोई कनेक्शन है जो आपको मिलता है ऑटोमेटिकली सो दैट समिट विच यू गेट राइट लेकिन अफकोर्स हर एक का अपना रोल है और सिस्टम को एड करता है डिलीट करता है जैसे कि अभी जरूरी नहीं है कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी भले ही सेम फैमिली में पैदा हुए हों लेकिन उनके अपने फेट अपने फेट हैं अपने हिसाब से वो आगे बढ़े हैं जैसे जैसे लेकिन अगर वो फैमिली में ऐसा कोई सिस्टम हो रहा है जहां पर अनिल अंबानी को बुला दिया गया इसके कारण कि भाई मुकेश अंबानी ज़्यादा सक्सेसफुल है और अनिल अंबानी तो इतने सक्सेसफुल है नहीं तो उनको तो फिर बेटर है कि भूल जाओ याद ही मत करो बुलाओ ही मत उनके बारे में सोचो ही नहीं क्योंकि उन्होंने तो बैंक करप्ट हो गए थे या ये प्रॉब्लम हो गई थी या वो प्रॉब्लम हुई थी तो ऐसे जब चीज़ें होती हैं फैमिली के अंदर तो उसकी वजह से फैमिली सिस्टम में डिसफंक्शन क्रिएट होता है और जब वो डिसफंक्शन क्रिएट होता है तो उसका repercussions सालों तक हमको महसूस होता है इसीलिए इसके अंदर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्या ऑर्डर ऑफ लव होता है क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं जिनको वैस फॉलो करना बहुत एसेंशियल है ओके नाउ एज एट के ये चीज आप स्टोरी अपनी स्टोरी के बारे में प्लीज एक्सरसाइज करिए अपने लाइफ के बारे में आपकी कैसी फैमिली के बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के अपने फादर के बारे में आप जो सोचते हैं वो आपकी सोच है कि या आपकी माँ ने जो बोला वो सोच आप लेकर चल रहे हैं उसी प्रकार से जिस तरह से आपके फादर ने बोला क्या आपने उस हिसाब से अपनी माँ के बारे में ओपिनियन फॉर्म की या जो भी अंकल आंटी हैं उनके बारे में या जो आपके रिश्तेदार हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं कहाँ तक जानते हैं क्या जानते हैं और आपके फैमिली के एक्चुअल एनिमीज कौन है क्योंकि हर कोई सोचता है कि ये मेरे फैमिली के दुश्मन हैं ये फैमिली में मुझे पसंद नहीं है ये फैमिली के से हमको बाहर कर दिया गया है सो so, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप अपने बारे में जानेंगे तो फिर आपको उतना आप डायनेमिक्स को समझ पाएंगे और उतना जो इश्यूज है प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के अंदर उनको रिजोल्व कर पाएंगे ओके okay? अब जो हमने रिप्रेजेंटेटिव के बात बारे में बात कर ली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन राइट सो ऑब्वियसली हर कोई जो है जब वो कोई कॉन्स्टलेशन या फैमिली कॉन्स्टलेशन कराने आया है क्लाइंट तो उस एक सीकर है वो कुछ जानना चाहता है राइट right? हम उसको नाम बोलते हैं सीकर राइट सो उसके दिमाग में एक मकसद है एक थीम है जिसके बेसिस पे इस कॉन्सलेशन को सेटअप किया जाएगा राइट right? तो हर एक तरह की रिलेशनशिप्स इश्यूज है किसी भी तरह की चीजों को काउंसलेशन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि सिर्फ फैमिली की चीजों को ही सॉल्व किया जा सकता है बल्कि हर तरह की जो भी सिचुएशंस है चाहे वो आपके फैमिली से लेकर है या बिजनेस से भी लेकर है करियर से भी लेकर है जॉब से भी लेकर है पास लाइफ से भी लेकर है कुछ भी तरीके की चीजें हैं आप उनको फैमिली कॉन्सिलेशन द्वारा कर सकते हैं चाहे वो आपके शेडो एस्पेक्ट को लेकर है इनर चाइल्ड एस्पेक्ट को लेकर है कुछ भी ओके सो इसमें यूजुअली जब सीकर है वो एक तरह से फैसिलिटेटर को मिलता है उनके सामने ये अपना प्रस्ताव रखता है कि मुझे ऐसा सेशन कराना है और उस बेसिस पे फैसिलिटेटर उनसे एक इनटेक फॉर्म भरवाते हैं या इनटेक इंफॉर्मेशन लेते हैं जिस बेसिस के ऊपर कौंसिलेशन फिक्स किया जाता है राइट right? सो so, जैसे हमने बात की कि कॉन्स्टलेशन के अंदर जो है आ, फैमिली मेंबर्स को है वो जरूरी नहीं है कि आप एज अ फैसिलिटेटर क्लाइंट से सारी इंफॉर्मेशन लो एटलीस्ट मैं मेरे कुछ लोग हैं जो करते हैं जिन्होंने फैसिलिटेटर की तरह वो एक एक घंटा बैठ के पूरी इंफॉर्मेशन लेते थे क्लाइंट से और फिर उसके बेसिस पे वो कॉन्स्टलेशन को सेटअप करते थे लेकिन मैंने यूजुअली ऐसा महसूस किया है या मैं ऐसा फॉलो करती हूँ कि मैं कभी भी क्लाइंट से इंफॉर्मेशन नहीं मांगती ओके okay? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है एज अ फैसिलिटेटर आप भी रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी लोग हैं उसमें सब लोग उतने हो सफिशेंट कि वो पूरा कॉन्सलेशन uh, उस पे बेसिस पे खत्म हो जाए कभी कभी आपको भी कुछ रोल प्ले करना पड़ता है कभी कभी आपको भी उसमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो और भी uh, चीज़ बेहतरीन या बेटर तरीके से हो सकती है तो अगर आपको इंफॉर्मेशन पता होगी तो कहीं ना कहीं वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी और कहीं ना कहीं आप उसी हिसाब से देखने की कोशिश करोगे सो so, इसलिए मैं यूजुअली ऐसा महसूस करती हूँ नॉट जस्ट फ्रॉम पर्पज के मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँ रिप्रेजेंट करूं पर अगर मैं रिप्रेजेंट नहीं भी करना चाहती हूँ तो भी मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन को जानू राइट सो आप ही नहीं एज अ फैसिलिटेटर दैट शुड बी हाउ इट इज पर इसमें कई बार फिर भी होता है कि क्लाइंट बोलता ही जाता है क्लाइंट बताता ही जाता है और कई बार क्लाइंट जो आपको बताता है वो हो सकता है हकीकत भी नहीं हो वो उसका खुद का थॉट प्रोसेस हो राइट right? जिस तरह से वो अपने पति को डिस्क्राइब कर रहा है जिस तरह से अपनी बीबी को डिस्क्राइब कर रहा है जिस तरह से अपने बच्चों को डिस्क्राइब कर रहा है दैट कैन बी हिज और हर ओन परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन राइट सो उसको आप सही लेकर या सच लेकर नहीं चल सकते क्योंकि जब आप कई बार ऐसे सेशन करते हो तो आपको कुछ और ही दिखाई देता है तब आपको महसूस होता है कि जो क्लाइंट आपको बोल रहा था वो एक्चुअली वैसा नहीं है सो एज़ फार एज़ पॉसिबल हमको अवॉइड भी करना चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में और आ, कभी कभी आप महसूस करोगे कि जब क्लाइंट को रिप्रेजेंटेटिव जब वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो कभी कभी उनकी भाषा उनके तौर तरीके उनका फेशियल एक्सप्रेशन उनका लैंग्वेज ये सब भी उस कैरेक्टर के हिसाब से बदल जाते हैं यू कैन एक्चुअली सी दैट चेंज इन दैट पर्सन कि पर्सन उसी तरह से अपने मुंह को हिलाने लगेगा उसी तरह से अपने हाथों को हिलाएगा उसी तरह से अपने बालों को अगर उसको आदत है जो जो पर्सनैलिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैसे ही करने लगता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप वही भाषा में भी बात करने लग जाए मतलब आपको पंजाबी या हिंदी आती नहीं है लेकिन आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आपके मुंह से वही शब्द निकलते हैं उसी प्रकार से कुछ गालियां भी उसी प्रकार से निकलने लगती है उस, उस कुछ वर्ड्स जो स्पेसिफिकली वो जना यूज करता है वो भी आप यूज करने लगते हो उनकी तरह की वेशभूषा भी आपको ऐसे लगने लगती है राइट अभी जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं अभी हमारे भी ग्रुप में यहाँ पे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं लेकिन ज्यादातर लड़कियां या लेडीज काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करती हैं कंपेयर टू द जेंट्स लेकिन जब जेंट्स का रोल होता है तो प्रिफरेबली क्लाइंट उसको चूज करेगा जो आदमी ही दिख रहा है uh, पर वो लेडी को भी चूज कर सकता है टू प्ले द रोल ऑफ अ फादर राइट पर कभी कभी क्लाइंट जैसे मैंने बोला था कि वो क्लाइंट चूज करते हैं इंट्यूटिवली तो उनको जब वो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ देखते हैं तो उनको जब ऐसा लगता है कि हाँ सुषमा जी मेरी बहन की तरह ही लगते हैं तो चलो मैं सुषमा जी को अपॉइंट करते हूँ एज अ फॉर माई सिस्टर हो राइट तो ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि बट इवन विदेक्शन द्लाइंट फील्स विद द रिप्रेजेंटेटिव विद कैरेक्टर उस हिसाब से वो चूज कर चॉइस करता है ओके सो अब एक बार जब आपकी थीम आपकी चीजें फिक्स हो गई है बहुत क्लैरिटी हो गई है सो so, जैसे मैंने बोला कि मेल रिप्रेजेंटेटिव को यूजुअली मेल रोल के लिए करते हैं फीमेल को फीमेल के लिए करते हैं बट क्योंकि इस फैसिलिटी में या ज़्यादातर एटलीस्ट मैंने तो महसूस किया है कि जो अवेलेबल होते हैं फॉर डूइंग द थेरेपी वो फीमेल्स होती हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि फीमेल्स मेल का रोल नहीं प्ले कर सकते राइट सो दे मे प्ले एनी ऑफ द रोल बट अगर मेल है तो दे मे चूज द मेल ओके okay, और आ, हाँ और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम फील्ड पे स्टार्ट करते हैं सेशन तो हम आ, ग्राउंडिंग भी करा सकते हैं हम प्रोटेक्शन भी करा सकते हैं हम एक प्रेयर भी कर सकते हैं इनवोक भी कर सकते हैं फील्ड को ये हर एक का अपना अपना तरीका होता है पर ऐसा ऐसा जो तरीका बनाया नहीं गया कि ये आपको करना है राइट right? लेकिन क्या होता है हर कोई अपने हिसाब से अलग दिखाना चाहता है अलग तरह से प्रदर्शन करना चाहता है क्लाइंट क्लाइंट को को करना चाहता चाहता है है एक एक नया अपना एक अपनी अलग आइडेंटिटी देना चाहता है कि देखो मैं ऐसे करता हूँ सेशन तो वो कुछ चीजों को उसमें इन्वॉल्व कर सकता है कि उसमें स्टार्टिंग में एक प्रेयर को डाल दिया फिर उसके बाद एक ग्राउंडिंग करा दी फिर एक प्रोटेक्शन करा दी फिर यू you नो know, इस तरह से करा दी और फिर लेकिन एज सच मैं ये बोलूंगी कि यूजुअली uh, मैंने कभी देखा नहीं है कि फैमिली कॉन्स्टलेशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है इन टर्म्स ऑफ मतलब ये सोचना के कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा ऐसा तो नहीं कि मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं उससे बाहर ही नहीं आ पाऊंगी वहीं पे अटक के रह जाऊंगी बट जब हम close कर रहे रहे होते हैं कि आप उस रोल से बाहर आ रहे हो और आप वो जो भी आपने प्ले किया उसको वापस दे रहे हो उनको उन तक पहुंचा रहे हो इन टर्म्स ऑफ जस्ट सेंडिंग एनर्जी राइट सो जैसे हम इवन मीडियमशिप में कर रहे हैं कॉर्ड कटिंग है या आप चीज में घुसते हो उसको उसके साथ कनेक्ट होते हो और फिर उसके अंदर से बाहर निकलते हो और फिर अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हो दैट सेम फॉलोड इन फैमिली ओके, सो आप जब फील्ड के अंदर खड़े हो रहे हो तो फील्ड जैसे कि एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या सर्कल है ये तीन तरह के आप चौकोर सर्कल या रेक्टेंगल आपका फील्ड हो सकता है राइट अब आप इस फील्ड में कहां पे खड़े होंगे तो आप अपने आपको विजुलाइज़ करते हो क्लाइंट भी आपको बताता है कि मैं आपको यहां पे खड़ा कर रहा हूं सेंटर में कॉर्नर में इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में कौन सी जगह पे आप किस तरफ देख रहे हो बाहर देख रहे हो अंदर देख रहे हो आपके सामने कौन खड़ा है आपके पीछे खड़ा है आपकी साइड में खड़ा है तो ऐसे अलग अलग पोजिशनिंग होती है कि जैसे अभी मैं किसी को बोलूंगी अरुला यू विल गो एंड स्टैंड यू विल बी स्टैंडिंग इन द सेंटर निशा आप उसके राइट साइड में खड़े आप एक दूसरे की तरफ देख रहे आप बोलोगे नहीं nah, मुझे एक उसकी तरफ नहीं देखने मुझे तो बाहर देखने का तो हर चीज का देखने का तरीका क्यों आप किधर देखना चाहते हो कैसे देखना चाहते हो वो डिटरमिन करता है बहुत कुछ उसके बेसिस पे क्या डायनेमिक्स चल रहा है बीच में उन सब मेंबर्स के वो पता लगता है सो so, हर एक चीज की इसके अंदर अहमियत है आप किस तरह से खड़े हो रहे हो किस तरफ देख रहे हो राइट right? आप लेट रहे हो बैठ रहे हो खड़े हो हर चीज का अपना एक इंटरप्रिटेशन है सो so, ये बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस है ओके सो ओके और जब आपका फैसिलिट जब रिप्रेजेंटेशन हो जाता है अब स्टोरी रिजोल्व हो गई चल रही है तो अब जब स्टोरी चल रही है उसके अंदर दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट बोलते हैं और एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं सो क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट होते हैं जो हम जैसे किसी को बोलते हैं जैसे कि अगर मैंने किसी को बोला कि मैं आपसे नाराज हूँ मैं अपनी माँ से नाराज हूं तो मैं उसको बोल रही हूँ आई एम एंग्री विथ यू सो दैट्स लाइक अ सिंपल स्टेटमेंट जिसको क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट बोलते हैं और एक स्टेटमेंट होते हैं जिनको रेजोल्यूशन स्टेटमेंट बोलते हैं वो फैसिलिटेटर यूजली बोलता है आपको बोलने के लिए तो वो रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही सिंपल साधारण स्टेटमेंट्स हैं लेकिन उनमें बहुत ही रिस्पेक्ट लव की फीलिंग है ओके okay? जैसे कि आई बो इन फ्रंट ऑफ यू आई लव यू आई यू आर बिग आई एम स्मॉल तो मतलब ये ऐसा लगता है कि किस तरह के स्टेटमेंट है आजकल के जमाने में इस तरह के स्टेटमेंट कैसे कोई बोल सकता है लेकिन दो स्टेटमेंट्स आर लाइक हाउ अ सोल वुड स्पीक टू अ सोल राइट सो देर इज अः हेलिंग की थेउट लव लव एंड रिस्पेक्ट मतलब इतना कुछ उसके अंदर है कि वेर यू आर वेरी डिग्निफाइड इन योर प्रेजेंटेशन दैट्स अ वरफुल थिंग अबाउट इट यू नो आप हर चीज में जैसे झुक के प्रणाम करके आप चीजें करते हो जैसे हमारे कल्चर में भी हम करते हैं कि हम झुकते हैं झुकने को हम बुरा नहीं मानते राइट right? झुकने को हम मानते हैं कि जहां पर हम किसी को इज्जत दे रहे हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो चीजें होती हैं वो इसी प्रकार से होती है जहां आप हर इंसान को उसकी एक इज्जत दे रहे हो उसको वो कर रहे हो तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थेरेपी लाइक दैट और जब आप हर एक चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उसमें आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आ, फैमिली कॉन्सलेशन से रिलेटेड हैं जैसे कि एंटेंगलमेंट्स हैं लॉयल्टीज हैं डिसेबलमेंट ये आ, है आ, आ, मतलब आ, आपकी आ, आ, एनर्जी मैश्ड अप है सो so, ये सब जो है वो फैमिली कॉन्सलेशन का एक हिस्सा है जो बताते हैं कि किस तरह से आप किसी भी जने के साथ उनकी एनर्जी के अंदर जुड़ जाते हो मिल जाते हो और उनकी तरह दिखाने लगते हो, उनकी तरह दर्शाने लगते हो चीजों को so, सो ये चीजें आप महसूस करते हो और फिर इन्हीं चीजों को ठीक किया जाता है दैट इज हाउ द वर्ल्ड हाउ द थिंग्स मूव फॉरवर्ड सो जैसे जो जो नॉट्स क्रिएट हो गई जहां जहाँ आप दूसरे लोगों की तरह दूसरों की परिभाषा में बोलने लग गए हो वहां पे वो परिभाषा कैसे आपको इफेक्ट कर रही है उसको ठीक करने का ही काम फैमिली कॉन्सलेशन में होता है सो दैट इज हाउ द फैमिली कॉन्सलेशन वर्क एंड फिर हर जने को अपने अपने जगह पे खड़ा कर दिया जाता है सही जगहों पर और जैसे जैसे लोग अपनी सही जगह पे खड़े हो जाते हैं वैसे वैसे वो फ्लो बराबर हो जाता है और एंड में आप क्लाइंट को उस जगह पे लेके खड़े कर देते हो जिस जगह पे वो बराबर तरह से सेट है और फिर आप सबसे पूछते हो कि डू यू थिंक अब ये बराबर है क्या हम यहाँ पे इस चीज को ख़त्म कर सकते हैं और जब उस पर हमको हाँ मिल जाती है तो हम उस चीज़ को वहां पे ख़त्म कर देते हैं So, इस तरह से एक सेशन किया जाता है जो भी फैमिली uh, कॉन्सलेशन का सेशन है सो यहाँ पर इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लोग क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं ये सब चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है और uh, uh, आपको फैसिलिटेटर कई बार बोलता है कि आप ये चीजें बोलो आप ये चीजें कहो आपको फैसिलिटेटर की चीजों को फॉलो करना होता है हो सकता है कभी कभी आप फैसिलिटेटर से सहमत नहीं हो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि मुझे ऐसी महसूस नहीं हो रहा है मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है मैं भले ही बोलने के लिए बोल रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे ये बोलना है राइट right? लेकिन फिर भी फैसिलिटेटर यूजुअली इंसिस करते हैं कि जब हमको सेशन के दौरान जाना है तो जो वो बोल रहे हैं वो आप कहो लेकिन एट द सेम टाइम वो क्लाइंट को ये बता देते हैं कि ये आप देख रहे हो देर इज अ अस्टेंस देर इज अ प्रॉब्लम यहाँ पे ये एनर्जी इसको रोक रही है या वो इस चीज को करने को तैयार नहीं है बट जस्ट फॉर क्लोजिंग द सेशन आई एम जस्ट पुटिंग इट लाइक दैट लेकिन फिर फाइनली जो पिक्चर फाइनल होती है जो दिखाई देती है चाहे वो क्लाइंट के हिसाब से नहीं है चाहे वो क्लाइंट जो चाहता था उस हिसाब से नहीं है फिर भी वो वहीं पर ख़त्म कर दी जाती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच पे भी सेशन को बंद कर दिया जाता है जब ऐसा लगता है कि वो सेशन उससे आगे मूव ही नहीं हो रहा है एनर्जी आगे मूव ही नहीं हो रही सो इट मे हैपन कि आप वहां पे भी उस चीज को बंद कर दो या क्लोज कर दो पर विद द इंटेंशन के जो भी देखा है वो वापस से आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा जो भी फैमिली कॉन्सलेशन में चेंजेस होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं सो so, जरूरी नहीं है कि चेंज इंस्टेंटली हो जबकि ये सोल वर्क है तो यूजअली इफेक्ट इज डन इंस्टेंटली लेकिन इन द फिजिकल फॉर्म आने में समय लग सकता है सो so, कभी कभी लोगों को परिवर्तन एक एक साल में भी, भी दिखाई देता है कभी कभी उनको एक ही दिन में फर्क नजर आ जाता है सो इट इज नथिंग लाइक दैट कि इसमें आप इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे हो कि आप अब यहाँ पे हमने रिजोल्व कर दिया तो बस यहाँ पे खत्म हो गया समाइम्स एनर्जी वर्क टेक्स टाइम राइट सो यूजुअली हम उनको एडवाइस करते हैं कि कोई भी आप रेकी या कोई भी हीलिंग आप नहीं करोगे जब आपने सेशन कराया क्योंकि जो चीजें रेकी के द्वारा हम चीजों को दबा देते हैं उनको वो कर देते हैं पर इसमें चीजें उभर के बाहर आती तो जब वो चीजें उभर के बाहर आती हैं तो आपको उनको दबाना नहीं है उभरना मतलब एक्नोलेज करना और उनको उभरते हुए बाहर आने के कारण ही वो फ्री हो पाता है इंसान जैसे हम बोलते ना कि अगर आप चोट को देखोगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि चोट खत्म हो जाएगी चोट को अगर ठीक करने का है तो उसको उसके ऊपर मरमपट्टी करनी पड़ेगी उसको देखना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा राइट सो उसी प्रकार से कोई भी चीज को अगर आपको हील करना है तो उसको आपको खोलना पड़ेगा बिना खोले कोई चीज हील नहीं होगी राइट वो जख्म जो है नासूर हो जाएगा वो ठीक नहीं होएगा So, uh, अब अग, आप अग, अगर कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं सो एज़ बिकॉज जैसे मैंने बोला कि रिजोलविंग स्टेटमेंट्स है ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं उनकी लिस्ट होती है जो फैसिलिटेटर को यूजुअली याद हो जाती है और वो उनको इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग द सेशन आप चाहे तो आप भी सीख सकते हैं या पर अगर आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि उनको जानना चाहिए कभी कभी हम रिप्रेजेंटेटिव को यह भी बोलते हैं कि आपके जो भी मन में शब्द आ रहे हैं जो भी आपको हो रहा है जरूरी नहीं आपको मेरी लैंग्वेज में बोलना है आप उसको वैसे बोल दो तो वो भी वो चीजें भी कार्य करती हैं ओके अब आप लोग पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं बोले किसी को कुछ नहीं पूछना है ये सब मैम पूछना है नहीं, नहीं हाँ, मेरे को पूछना है मैम मैं वर्तिका uh, really आई रियली अच्छे से क्योंकि मैं फैमिली कॉन्सलेशन अटेंड करती हूँ Uh, okay. एक ग्रुप में हूं मैं तो वहां पे वो करते हैं तो मैं को, तो वो सारा जो आपने बताया तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी और आपने बहुत ही अच्छे से एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया इज रियली वेरी नाइस तो मैं okay. ये पूछना चाह रही थी क्योंकि आपने जैसे ये थ्री डेज का किया है तो क्या आप हमें इसमें फील्ड बनाना बताएंगे की जस्ट यू आर गिविंग अ इंट्रोडक्शन नहीं नहीं ऑन द लास्ट डे हमारा डेमोज है

हाँ, पर आप जैसे रिप्रेजेंट करते हो तो जो भी आप सेशंस करते हो तो कितना एक दो घंटे के तो होते होंगे ना सेशंस हाँ राइट करेक्ट सो आपका एक एक सेशन ही दो घंटे का तीन घंटे का चलता है राइट करेक्ट सो हम ऑब्वियसली वो उस तरह से तो से सेशंस यहाँ पे नहीं करेंगे उसके नहीं लिए जब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करेंगे तब हम उसके अंदर करेंगे पर इस दौरान जो ये तीन दिन का वर्कशॉप है उसमें एक डेमो एक या दो डेमो कॉन्स्ट्रेशन करेंगे but be like a constellations. नहीं मेरा मतलब था कि आ, you are teaching how to make a field. मेरा ये मतलब था कि जो फील्ड आपने कहा रेक्टेंगल स्क्वायर या फील्ड होती है जिसमें हम क्लाइंट uh, और उसकी फैमिली को स्टैंड uh, करते हैं तो वो फील्ड मेजर का पार्ट तो वो फील्ड ही होती है ना जिससे कि फिर वो एनर्जी कनेक्ट होती है सबकी करेक्ट आई एग्री लेकिन देखो इफ आई टीच अ फील्ड व्हाट द क्लाइंट गेट्स इन उस हिसाब से कौन किस तरह के लोगों को आपको अपॉइंट करने की जरूरत है मतलब किस तरह का रिप्रेजेंटेश चाहिए आपको आप डिसाइड नहीं नहीं। वो तो और, है हाँ और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स का ऐसा नहीं होता है कि आपकी उसकी फील्ड की रचना जो है वो इनिशियली कर देते हो और उसके बाद उसमें चेंज नहीं होता है ऐसा नहीं होता है फील्ड में आप जैसे जिनको प्लेस करते हो सपोज आज मैंने अगर मदर फादर और बच्चे को प्लेस किया ओके okay, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन को प्लेस किया तो उसके बाद जैसे जैसे फील्ड आगे बढ़ता है उसके अंदर आप नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते जाते हो डिपेंडिंग ऑन वॉट इज रिक्वायर्ड What is the वॉट इज द फील्ड there शोइंग be, additions or there may be uh, changes in the field in the representatives right so ye ek matlab mera kehne ये एक, मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें है ready और ये बोला जाए कि ये field है इस तरह से set होता है नो 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 मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आई नो क्योंकि ये तो मुझे मालूम है कि कई बार कुछ मेंबर्स आते हैं कुछ बार लास्ट में एंटिटीज आ जाती है या आपके क्या कहते हैं आते हैं आती है वो सारी चीजें हाँ, आती हाँ, रहती हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरा हाँ, मतलब है हाँ, मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे कॉन्सुलेशन तो उसमें हाँ, जो एनर्जी फील्ड बनाएंगे वो पूछना चाह रही हूँ कि हाउ टू कनेक्ट जैसे क्लाइंट कह रहा है कि उसके मान लो फैमिली डायनामिक का करना है उसका सपोज तो फैमिली डायनामिक में उसके जो भी बेटा बेटी वाइफ और वो सब आ गए अब लेकिन हम जब वो, ये तो हमें मालूम है कि हम यहां से शुरू करेंगे लेकिन फील्ड को एक एनर्जी फील्ड को कैसे बनाएंगे वो बताएंगे क्या आप इसमें मेन main... नहीं अगेन आई एम नॉट एबल टू गेट यू कि जब आप बोल रहे हो एनर्जी फील्ड तो आप हुँ. क्या बोल कोशिश कर रहा हूँ आप मुझे मतलब जरा में मेनली तो यही है ना कि जैसे कोई पर्सन कैसे उस पर्सन की एनर्जी से जुड़ेगा नहीं एक मिनट आप कह रहे हो कि देखो आपको ये चीज समझनी है जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना जैसे कि जो भी मैं तीन जनों को रखा है सपोज तीन पुर जने रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट जब फैसिलिटेटर एक जने से पूछता है दूसरे जने से पूछता है तो दे आर इंडिपेंडेंट पीपल ओके लेकिन जब दूसरा जना कुछ रिप्लाई करता है सपोज मैंने फर्स्ट जने से पूछा राइट right? अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मदर से कुछ चीज पूछी ओके okay? अब मदर से कुछ चीज पूछी और उसके बाद मैं फादर के पास गई और मैंने फादर से कुछ चीज बोली पूछी और फादर ने जो वर्ड्स बोले तो मैं मदर से बोलती हूँ पूछती हूँ कि फादर अपने आप या तो मदर हाथ रेस करेगी कि बिकॉज फादर ऐसा बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है जब से उन्होंने ये बोलना शुरू किया राइट right? करेक्ट एक ये होता है दूसरा होता है कि यूजअली आप दूसरे जने से पूछोगे कि जब ये ये बोल रहे थे अब आपको कैसा महसूस हो रहा है हाउ आर यू फीलिंग नाउ ओके जब आप एज अ फेसिलिटेटर आप देखते हो कि एक डॉट के बाद दूसरी डॉट को आप कैसे ज्वाइन करो दैट इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग फॉरवर्ड राइट सो उसमें आप अपना एक थॉट प्रोसेस यूज कर रहे हो अपना एक इंटेलिजेंस या विजडम ऑफ द फील्ड यूज कर रहे हो या एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो जो कि आपने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसके बेसिस पे आप समझ पा रहे हो कि अब ये दिख रहा है इसके बाद ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे मुझे इससे ये पूछना चाहिए यहाँ पे मुझे इसको लाना चाहिए राइट right? करेक्ट यहाँ पे तो वो आपको ऑन

तो वही मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द इनिशियल जब आप किस तरीके से फील्ड को बनाएंगे जिससे कि फिर सबकी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट हो वो तरे, सिखाएंगे तरे, क्या आप। वही आपको मैं बताना चाहती हूँ आपका जो पीएलआर का कंसेप्ट क्या है पीएलआर में आपका एक इंडक्शन स्क्रिप्ट है राइट आपके पास एक पर्टिकुलर आप स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो और फिर बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछते जाते हो जिससे कि आप उस जने को एंगेज रखते हो और बेस्ड ऑन व्हाट आंसर्स आपको मिलते हैं आप आगे, आगे 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 बढ़ते जाते हो करेक्ट राइट है ना नाउ दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू टेल कि जो लोगों में जो थॉट प्रोसेस है ना कि फैमिली कॉन्सुलेशन मतलब क्या कि हर चीज फिक्स करके मैम वी हैव टू फॉलो लाइक दिस इस तरह से डोंट गो बाय दैट लॉजिक नहीं, 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 नहीं बात भी भी कि आप कैसे किसी का फैमिली शुरू करेंगे शुरू करना कि उसके लिए आपको कोई फील्ड बनानी पड़ती है एनर्जी फील्ड की मतलब जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव है ये जो कॉन्स्टलेशन है इनिशिएट कैसे करते हो yes. आपस में ये जो लिंकिंग होती है वो लिंक कैसे करते हो एक दूसरे के साथ कि जब सपोज मैं किसी क्लाइंट की तो तो मदर वोगी का वोगी रोल अदर आपको बोल रही हूँ आप चीज आप स्टार्टिंग में कैसे सीख सकते हो जब वही पूछ वही सिखाएंगे या अदर कोर्स में आपका ये होगा ये अभी आपने थ्री डेज की वर्कशॉप जो रखी है हा, हा, आप मेरे को एक चीज बताओ आप थ्री डेज में क्या ये इस चीज को आप सीख सकते हो आप बहुत टाइम से सेशन कर रहे होंगे आप बहुत टाइम से रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो क्या आप उस बेसिस पे ये चीज को सीख सकते हो कि कैसे आपको फील्ड की रचना करनी है यही चीज है आपको कुछ तो सेशन हैंडल करने पड़ेंगे ना तीन दिन में आप क्या सेशन हैंडल कर लो हुँ. तो मैं आपको वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इट्स नॉट समथिंग कि मैं एक आपको बना के एक रूल बुक एक ऐसा दे दूंगी राइट दिस इज़ टोटली अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप उस चीज को खुद समझ पाओगे एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट राइट एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट किसी no, का भी

बीज रोप दिया है और फल आज ही मतलब तो लेने को तैयार है कि अगर समझता है तीन दिन का थोड़ा वेट करना चाहिए कि क्या हो रहा है आज ही तो बीज रोपा है इसमें तो फल कहाँ आज ही निकलेगा हाँ नहीं नहीं वो तो वो तो बात सही है आपकी कि आज अगर आपने बीज डाला है तो फल आपका नहीं बट उसमें भी मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि फैमिली कॉन्सलेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला इट इज नॉट समथिंग कि जहाँ पे आप एक रूल बुक या बुक के हिसाब से चल रहे हो कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे ये चीज होनी चाहिए थम बुक किस चीज के ऊपर है जहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं या जो चीजें आपको मैटर दिया जा रहा है राइट एक है कि आपको एक मैटर पकड़ा दिया जा रहा है पर वो मैटर को हर जना अपने हिसाब से जो उसका तरीका है वो वो उस हिसाब से उसको सेटअप करेगा

एक तो स्टैंडर्ड चीज जो हो गई वो अलग चीज है दैट इज लाइक आप एक बोल रहे हो कि ठीक है एक फादर ला लिया एक मदर ले आए एक बच्चा ले आए अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो हस्बैंड वाइफ को रख लो अगर वाइफ uh, जो है वो हस्बैंड को ऐसे ट्रीट कर रही है तो हो सकता है उसके फादर के थ्रू यह आ रहा होगा दैट इज समथिंग वेयर यू आर गोइंग बाय द इन अंडरस्टैंडिंग के हाँ हाँ ये 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 ऐसा है तो ऐसा ठीक नहीं, 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 नहीं। नहीं। तो है अब हमें भी नहीं मालूम की मनी उसकी क्यों ब्लॉकेज है मे बी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ या मे बी उसकी लीनियज में किसी ने कुछ किसी के साथ बुरा किया या मे भी लीनियज उसके दुखी हो तो इसलिए उसको मनी अमेंडेंस नहीं हमें नहीं मालूम बट इनिशियली हाउ टू मतलब हम कोई एनर्जी फील्ड बनाते हैं या कुछ बनाते हैं जिससे कि सपोज मैं आप मुझे कहेंगे कि मैं मनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो मनी की एनर्जी मेरे अंदर से कैसे आएगी इनिशियली वो चीज पूछ रही हूँ मैं That's what I'm trying टू टेल यू आई थिंक आप नहीं समझ पा रहे हो चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जब आप मनी का पोजिशन लेते हो इट्स नॉट कि मैं आपको बताती हूँ कि मनी कैसे आएगी मनी का कैसा आपके अंदर इन्फॉर्मेशन uh, आएगी जब मूवमेंट आप उस जगह पे खड़े होते हाँ, हो कम्स टू यू यू ऑटोमेटिकली टैप इन टू दैट इंफॉर्मेशन फील्ड इट इज आपको जो रिप्रेजेंट

आपका साइकिक साइकिक पावर भी होना चाहिए इतना सो सो दैट 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 यू यू कैन कैन नो 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 ठीक है एज अ कॉमनर ऑल्सो अगर आप ट्रस्ट करते हो फील्ड के ऊपर तो भी आपको इंफॉर्मेशन आएगा इट इज अनदर थिंग आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाओ या आप उसको बता नहीं पाओ राइट right? करेक्ट oh. लेकिन जब आप एक बार खड़े होगे आपको सिंपल वर्ड्स में बताना है अगर कोई जैसे खड़ा है एज अ मनी अगर आप मनी oh. की बात कर रहे हो राइट अगर मैं मनी के उसमें स्पेस में खड़ी हूं तो मुझे मैं ये तो बोल सकती हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में मुझे हार्ट oh. बीट तेज हो रही है मेरे को एंशियसनेस oh. oh. महसूस हो रही है राइट right? करेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास डार्कनेस है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है राइट right? करेक्ट जब आप ये चीज देखते हो या ये चीज बताते हो तो फैसिलिटेटर अपने आप उस पे उसको समझने की कोशिश करता है कि ओके okay, इसका मतलब कि इसको द मनी वो उसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेगा फर्दर राइट करेक्ट पर इट इज नॉट समथिंग कि मेरे को इसके लिए साइकिक एबिलिटी चाहिए

वो है वो तो वो कोई आपको इंट्यून नहीं करेगा मैं आपको अट्यून नहीं करने वाली हूँ कि भाई आप है आप ये ऐसा महसूस करिए वो ऑटोमेटिकली हर एक जने को महसूस होता है नहीं मैम वो मुझे मालूम है क्योंकि मैंने इसको इन पर्सन भी अटेंड किया हुआ है इन पर्सन भी फैमिली कॉन्सोलूशन अटेंड किया हुआ है तो आई नो कि वो अपने आप से फीलिंग आती है बट वो एक पर्टिकुलर सर्टेन पोजीशन पे जब आप खड़े होते हो तब आती है अगर आप उस फील्ड से अलग है तो नहीं आती है नहीं नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं होता उस पोर्सन में खड़े होकर नहीं आती एनर्जी आप कैमरा में भी ले लेते हो एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता में जब मैम लास्ट डे करवाए लास्ट डे जब मैम एक सेशन तो थोड़ा सा करवा के देंगी ना समझाएंगी तब सम सम उसको मतलब एकदम से तो उसमें सभी लोग काफी कंफर्ट जोन में इजीली हाँ तो okay, तो तो हो हाँ तो, जाता है आजका आजका तो आए, 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 नहीं बट इवन आपने बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजें मैम बताई है क्योंकि अटेंड करते हैं तो इतना पता है तो फिर वो चीज एक एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई है थैंक यू सो मच नहीं नहीं यू आर मोस्ट वेलकम और एनी डाउट्स यू आर यू आर मोस्ट वेलकम आप दस बार भी पूछेंगी तो भी मैं दस बार भी बताऊंगी ऐसा कुछ नहीं है मुझे राइट आई एम वेरी ओपन अबाउट इट कि हर एक चीज का हर जने का अपना वो सॉल्व होना चाहिए जो वो उसके मन में क्वेश्चन uh, है या जो भी क्वेरी है लेकिन सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहला जस्ट जस्ट ट्रस्ट करिए अपने आप को सरेंडर करिए इस चीज में मत जाइए कि कोई जना आपको कोई चीज सिखाने वाला है तो ही आपके अंदर वो चीज आएगी आपके अंदर वो चीज है सिर्फ आपको उस जगह पे अब आप, आप जो जगह पे खड़े होने की बात कर रहे हो चाहे आप वो ऑनलाइन कर रहे हो चाहे वो आप ऑफलाइन कर रहे हो आपको बस उस स्पेस में अपने आप को महसूस करना है राइट hmm. right? आप जैसे ही महसूस करोगे ऑटोमेटिकली हर चीज आपके आप, आपके सामने आएगी आप पर आप इसमें मत जाओ जैसे बर्ड हेलिंगर भी शुरू से बोलते हैं एंड इनफैक्ट जब वो पहले उनको किसी ने कोर्स लेने को बोला भी था कोर्सेज लेने को वो कोर्सेज नहीं लेते थे ही टू से दिस इज नॉट समथिंग यू कैन लर्न बाय यू नो टीचिंग दिस इज समथिंग विच इज बाय प्रैक्टिकल इट्स एन एक्सपीरियंशियल नॉलेज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ फैमिली कॉन्सुलेशन राइट क्योंकि वी कैन ओनली लर्न द प्रोसेस And हाँ. after that, मेरा, मेरा मतलब प्रोसेस से था कि क्या आप हाँ, मुझे वो प्रोसेस आपको आपको सब सिखाया जाएगा जाएगा दिन के अंदर आपको obviously पूरी जो ग्रंथ तो नहीं सिखा दिया एनर्जी क्योंकि आई एम अ प्राणिक हीलर और क्रिस्टल हीलर वो सब कुछ होता है मैं करती नहीं हूँ बहुत ज्यादा उन सब चीजों को बट आई कैन मतलब, I feel some connection with you. I, मतलब boys कई बार होती है ना आपको कनेक्ट करती है आई डों बट आई फील कनेक्टेड विथ यू आई फील कनेक्टेड टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल दार्टिस एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट अदर एंड बट मैं यही बोलूंगी जस्ट गो विद्लो

Uh -huh. Thank yeah. you for the class, ma'am. It's very nice. First time I heard the full class from you. Actually, I have the recording of ancestral healing, but till now I was not able to listen to it. Oh, uh, okay. Thank you, ma'am. No, uh -huh. uh, actually, I wanted to ask you during the course, uh, during the session, you mentioned about telepathy, someone uh -huh. practicing telepathy. No? Uh, in uh -huh. which course? Yeah. Uh... So, we have that spirit communication course, mediumship. सो इसमें काफी स्टूडेंट्स हैं वहाँ के सो इसलिए आई वॉज मैं इसके लिए उसके अंदर हम ये सब साइकिन एबिलिटीज एंड टेलीपैथी एंड नो ऑल द्लेयर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो एनी वे दैट विल हेल्प देम ऑल्सो हियर ऑल्सो लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि इट्स नॉट नेसेसरी यू नीड टू हैव दैट यू कैन स्टिल वर्क विदाउट दैट ऑल्सो

जस्ट सुपरफिशियली फीलिंग अबाउट इट के मैं ये कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ ये कर रही हूँ आई डोंट वांट स्टूडेंट्स टू डू दैट प्लस आई फेल्ड के uh, मेरे जो मीडियमशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको साइकिक एबिलिटीज में और अगर एक्सरसाइजेस होंगी क्योंकि हम मीडियमशिप uh, में काफ़ी एक्सरसाइजेस करते हैं तो अगर और एक्सरसाइजेस mm -hmm. होंगी तो वो उनको और बेहतर प्रैक्टिस मिलेगी तो दैट्स वाई वी डिसडेड आई डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग कॉर्ड कटिंग आई माइट एज वेल include psychic abilities also in that. that that. Actually when this mediumship course came I was little little bit oh. apprehensive of that, like, little scared of that. हाँ, so, uh, like scared स किया क्योंकि मुझे ये मालूम है कि बहुत लोगों को मीडियमशिप okay. सुनकर सुन थोड़ा डर लगता है उनको लगता है तो स्पिरिट ah. के साथ हो जाता है राइट right? लेकिन करेक्ट दैट्स व्हाई हां और जब आप साइकिक एबिलिटी की बात करते हो तो पीपल आर कंफर्टेबल बिकॉज़ वो हर एक चीज में आप यूज करते हो अच्छा सो ऑल द क्लेयर्स यू विल बी वर्किंग ऑन इन दैट या या ऑल द क्लेयर्स एंड यस ओके ओके मैम थैंक यू सो मच ओके ओके और किसी Hello को कुछ पूछना है हाँ जी हाँ जी मैम हम नमस्ते मैम थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सेशन के लिए Welcome. और मैं मेरा कनेक्शन बीच में टूट गया था तो मेरे को ये पता करना था मतलब जानना था आपसे कि जैसे रिलेशनशिप के के लिए और के लिए और मनी ही कर सकते आ ये एफसी को या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं नहीं नहीं किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं आप फिजिकल एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं किसी भी मेंटल इश्यूज के लिए भी कर सकते हैं आप uh, कोई भी स्पिरिचुअल uh, इश्यूज के लिए भी कर सकते हैं आप सोल से रिलेटेड भी सेशंस uh, कर सकते हैं uh, हमने कई बार कैंसर पेशेंट्स के लिए भी सेशंस किए कई बार हमने सेशंस उनके लिए भी किए हैं जिनको कि क्रॉसओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है कोमा में है या स्टक हैं या, हैं या uh, ऐसे भी किए हैं हमने आई मीन कोर्स इंडिया में ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा बात होती है तो ब्लैक मैजिक के लिए भी लोग करवाते हैं कभी कभी एंटिटी क्लियरिंग के लिए भी कराते हैं कभी कभी uh, uh, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो एंसेस्टर से आ रहे हैं एंसेस्टर हीलिंग बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर और सो एनी काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट इज नथिंग लाइक आप से uh, क्या है फैमिली कॉन्सुलेशन का एक ट्रेडिशनल फैमिली कॉन्सुलेशन का है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें भी इंक्लूड कर दी हैं जैसे कि अभी आप शेडो रिलेटेड कॉन्सुलेशन भी देखते हो आप शमानिक uh, कॉन्सलेशन भी देखते हो yes. आप uh, इवन फॉर दैट मैटर बिजनेस कॉन्सुलेशन है ट्रामा कॉन्स्टलेशन है सो uh, so ये uh, अलग अलग तरह की चीजें इन्फ्यूज कर दी गई है पास लाइव भी जैसे आई कवर पास लाइव ऑल्सो इन कॉन्स्टलेशन लेकिन इट्स नॉट नेरीचुअली नहीं होता है उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाया जाता है राइट इनर चाइल्ड भी आप कर लेते हो सो so, काफी चीजें आप कर सकते हो आप आप चाहे तो आपने अगर थीटा सीखा है ये सीखा है वो सीखा है आप उसको भी यूज उस कर सकते हो साथ में

हर एक के लिए एक दो दो सेशंस तीन सेशंस लग सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस लेकिन कभी कभी एक सेशन में भी हो जाता है आ, लेकिन जब जैसे आप जैसे जैसे करते हो सेशंस ना तो कभी कभी क्लाइंट खुद ही बोलते हैं कि हमको एक और कराना है हमारे पास एक और इशू है कभी कभी क्लाइंट तीन तीन इंटेंशन के साथ आते हैं तीन चीज़ों के साथ आते हैं है ना सो so, आप तीनों इंटेंशन को एक एक सेशन में नहीं ले सकते ना आप एक इंटेंशन के साथ काम करते हो फिर उसके बाद आप दूसरे सेशन में करते हो फिर आप तीसरे में करते हो राइट कभी कभी एक ही चीज है वो खुलने में ही उसको टाइम लग जाता है एक बार में वो इतनी खुलती है फिर उसके बाद दूसरी बार, तो इट वेरीज लेकिन हाँ एक आइडिया लग सकता है आपको कि कितने सेशंस लग सकते हैं okay. मेरे को ना ये नमस्ते फैमिली कंसेंसिंग क्या जो ये मनी के लिए बताया आपने हाँ। तो ये कैसे होता है ये जो आपने अभी बताया सारा ये समझ में कमाया मेरे को मतलब इसमें क्या होता है नहीं नहीं इसका मतलब ये है कि सपोज आज आपको मनी का कोई इशू है मनी से रिलेटेड कोई इशू है राइट right? करेक्ट तो अब आप उसका उपाय चाहते हो है ना करेक्ट अब आपने उपाय हो सकता है के लिए अपने कुछ उपाय ढूंढ लिए आपने आ कुछ आ, आ, और इप, आ, मतलब आ, आ, सोच लिया उपाय देख लिए लेकिन अगर कुछ ऐसी पैटर्न है जो मनी से रिलेटेड है हो सकता है आप ही नहीं आपके और परिवार वाले भी वही चीज महसूस कर रहे हैं और भी सदस्यों के साथ वही प्रॉब्लम चल रही है तो कभी कभी हो सकता है वो एनसेस्टर से आ रहा है आप तक राइट right? वो आपकी बिलीफ है जो आपकी भी बिलीफ हो सकती है एंसिस्टर की भी बिलीफ हो सकती है सोल की भी बिलीफ हो सकती है पास्ट लाइफ की भी बिलीफ हो सकती है सो so, uh, ये जो भी चीज है जो डायनामिक्स है जिसकी वजह से या आप किसी के साथ इंटेंगल्ड हो जो कि uh, अपना पैसा खो चुका था या जिसके पास पैसे की कमी थी आप उसकी तरफ लॉयल हो या आप uh, सोचते हो कि आप किसी के लिए अपने आप को भी उसी तरह से रखना चाहोगे क्योंकि आप उनके साथ रिश्ता बना के रखना चाहते हो जो आपके परिवार वाले ये सब कॉन्शियसली आपके माइंड में चल रहा right? नहीं नहीं। है पर आप कहीं कही ना कहीं वो सिचुएशन को महसूस कर रहे हो फेस कर रहे हो तो अब आप उसको उसका उपाय चाहिए तो वो उपाय आपको यहाँ फैमिली कॉन्सलेशन के दौरान दिखाई देता है कि क्या वजह है कि आप ये सिचुएशन में फंसे हो मामी, हम किसी के लिए भी करा सकते क्या जैसे तो, हमको अपने फैमिली तो के लिए कराना है तो ये ये पेड़ पेड़ होता है ये ना पेड सर्विस मतलब अगर मतलब मेरे कोई क्लाइंट को कोई तकलीफ है और हमको नहीं आता है तो हम उसको उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाना चाहते तो इस दिन से पेड पेड वो रहता है बेस रहता है क्या

क्योंकि ये तो सेशन के हिसाब से हम लोग बात या मतलब अभी हम लोग कोर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं राइट करेक्ट पर right. uh, क्या प्रॉब्लम है किसको क्या इशू है इट उसके हिसाब से ऑफ कोर्स इज अ फिक्स बट मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूंगी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग इज जी, जी, जी मैम तो यहाँ पे जो तीन दिन का वर्कशॉप है ये आप ये ये सारे बताएं इसमें बताएंगे ये क्या क्या अच्छा नहीं नहीं क्या चीज बताएंगे मतलब इसमें क्या डिटरिंग करेंगे आप फैमिली का ट्रांसलेशन सो so, जैसे कि आज हमने सीखा कि फैमिली ट्रांसलेशन है क्या कौन जने उसके अंदर है राइट right? तो उसके जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो चीज बताएं right? राइट और एक हम डेमो करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअली वो कैसे होता है अच्छा तो ये आगे को समझ हो? आएगा मेरे को भी नहीं समझ आया ज्यादा तो हाँ। आगे कोर्स होएगा आगे कोर्स होएगा पूरा तीन हाँ, दिन की वर्कशॉप का के बात 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 कोर्स बाद आएगा ना हाँ अच्छा अच्छा ठीक है क्योंकि तीन दिन के अंदर तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा ना जी 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 ठीक है थैंक मैम इसमें आपका नंबर कॉस्मिक हीलिंग बाय करके है क्या हाँ ग्रुप में करेक्ट राइट ओके मैम आई हैव अ क्वेश्चन हाँ पूछिए ना मैं मैम ईशा नाम है Uh, मैम आपने अभी एक स्लाइड uh, में ये शेयर किया था कि आपका एक होमवर्क uh, है कि आप आप भी अपने फैमिली डायनामिक्स देखिए मतलब कैसे फादर मदर के बारे में कैसे क्या बताते थे आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे तो वो इंडिविजुअली तो वर्क करेंगे ही सोचेंगे इस पर लेकिन क्या हम अपना कोई भी इशू uh, लेके uh, खुद भी थ्रू पेन ड्रॉ करके या फिर कुछ चीजें ऑब्जेक्ट्स लेके भी कर सकते हैं अगर कुछ

वो चीज आप एक बेसिक चीज आप समझ सकते हो है ना जब आप समझ सकते हो उसके बाद आप किसको अंदर लेके आ रहे हो किसको नहीं लेके आ रहे हो वो आपका जैसे जैसे आप तकनीक में आगे बढ़ोगे उस हिसाब से आपके वो बेहतरी होती जाएगी ओके okay. इंडिविजुअल इश्यूज भी हम अपना सॉर्ट आउट कर पाएंगे जैसे तो, इंडिविजुअली अपने मन हाँ हाँ आपको आप जो चीज सीख रहे हो पहले तो आप अपना ही सॉल्व करो ना जी 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 राइट right, आप इसको आराम से में ऐसे है कि इसमें ऐसे कि हम जैसे वालों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ किसी ने ऐसा क्यों करा ऐसी-ऐसी चीजें ऐसी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं हाँ कर सकते हो देखो अभी इसको ऐसा मत यूज करो कि आप ये फोरकास्टिंग के लिए यूज कर रहे हो फॉर्च्यून टेलिंग के लिए यूज कर रहे हो इसको आप आ, किसी ने ऐसा क्यों किया मतलब एक पर्टिकुलर मुद्दा होना चाहिए है ना मतलब ऐसे जस्ट फॉर सेक ऑफ के जैसे हम टैरो कार्ड निकाल लेते हैं सुबह सुबह के हाँ भाई चलो आज के आज के दिन का हमारा कैसे जाएगा आज कैसा होएगा ये तो उस पर्पस के लिए तो ये यूज नहीं किया जाता है इस तरह से राइट लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलर दिशा दिखाने के लिए यस यूज कर सकते हो फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो ऐसा नहीं आप फ्यूचर कर सकते हो उसके अंदर लेकिन यू शुड अ प्रॉपर इंटेंशन और फिर उसके साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए पर ऐसे ही आपको जस्ट ऐसे तीन पत्ती या ऐसे करके करना है तो वो अलग बात है फिर आपको वो उसके आ, मतलब उस पे नहीं जा रहे हो एक नॉर्मल जस्ट सेटअप करके आप एक कर रहे हो एक्चुअली मैम इसकी एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे अनदर सेल्फ तो मैंने वो हाँ, पूरी देखी, देखी है तो उसमें मैंने इंडिविजुअली भी देखा कि कैसे आप अगर आपका फैसिलिटेटर इज वेरी नाइस तो मतलब को नॉलेज है तो वो अकेला भी आ, काफी डीप इश्यूज में पेनिट्रेट कर रहे थे और रिजॉल्व हो रहा था वो डिजीज के सब हां कर सकती मैं देख रही थी तो वो उन उनके पास वो क्रिस्टल का वो बॉक्स है राइट जी जी जी, जी अंडर सेल्फ में तो उसने वो उसके हिसाब से वो उनको रख के उसको चलाते हुए वही तो मैं आपको बोल रही थी कि जब आप किसी को प्लेस कर रहे हो किसी को रख रहे हो वो किस तरफ देख रहा है कहाँ देख रहा है क्या डायरेक्शन है एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं दूर हैं खड़े साइड में खड़े हैं वो सब चीजें डिटर्मिन करती है वो बॉडी लैंग्वेज वो आपका तौर तरीका भी द, बहुत इंफॉर्मेशन देता है नॉट नेसेसरी okay. कि आप इंफॉर्मेशन जो बोल रहे हो वही समझ में आती है तो आप hmm. पपेट्स के साथ कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हो आप घर की कोई चीजों को उठा के भी उनके साथ भी कर सकते हो बच्चों के कोई पेन्स और क्रेउन्स के साथ भी कर सकते हो पेपर्स के साथ कर सकते हो डॉल्स के साथ कर सकते हो किसी के भी साथ कर सकते हो ओके ओके थैंक यू सो मच मुझे तो ज्यादा हाँ। ज्यादा नहीं नहीं समझ आया ना सुषमा जी आपको समझ में आ जाएगा जब आप हाँ। प्रैक्टिकल होगा तब समझ आ जाएगा सामने कुछ थोड़ा सा होगा ना हाँ। आप क्या है अपने लॉजिकल माइंड हाँ। से चलने की कोशिश करते हैं तो आप पहला मैंने बोला ना आपने आपको सरेंडर कर दी नहीं सरेंडर तो कर दिया मैम आपको आपको अरे मुझको नहीं जाना <laughs> ही करा फिलहाल तो अच्छी बात है भैया आपने मुझे वो दर्जा दिया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और किसी समझ से नहीं मेरे को ऐसे जैसे मान लो कि होता हुँ. है ना भी प्रॉपर्टी है भाई दूसरों को उनको दे दिया है उन्होंने क्या ऐसा उनकी बुद्धि मतलब वो फेरी हुई थी कि उन्होंने हाँ. सब कुछ उनको दे दिया या कुछ है तो ये सारी चीजें मतलब इससे हम वो कर सकते हैं जान सकते हैं हाँ लैंड का लैंड के एनर्जी को भी जान सकते हैं लैंड एंड स्पेस के लिए भी किया जाता है बहुत बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए भी किया जाता है एंसेस्टर uh, हीलिंग के लिए भी किया जाता है uh, कोई भी पैटर्न्स है बिलीव्स हैं उनके लिए भी किया जाता है सो इट इज यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इश्यूज हाँ इवन आपका जैसे है दूम हीलिंग है अब हम हमने वूम हीलिंग का सेपरेट कोर्स किया है लेकिन आप इसके अंदर भी आ, बच्चा क्या महसूस कर रहा है उसके यूट्रेस तक पहुंच के सोल तक पहुंच के आफ्टर okay. लाइफ भी मैंने किया है बिफोर लाइफ भी किया है सो so ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जैसे कोई बच्चा बहुत बीमार आया उसको ये प्रॉब्लम हाँ. आई तो मेडिसिन काम नहीं कर रही तो किसी ने बोला ब्लैक मैजिक है तो वो जानना चाहे कि किसने किया तो वो भी पता चल जाता है हाँ पता किया चल था जाता किसने हाँ ओके ठीक है मैम देखते ओके थैंक यू सो मच मैम प्लीज कर और सकते हाँ जी सॉरी आवाज आवाज कट कटरी किसकी आवाज है थैंक यू सो मच मैम मैम अनु था या या मोस्ट वेलकम ओके सो शुड वी वील फिनिश द क्लास द्लास आई थिंक सबका क्लास आंसर्स हो गए थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम जी क्या कह रहे हैं सॉरी कुछ रश्मि जी कह रही है नहीं थैंक यू बोला मैम बहुत बहुत ही बढ़िया आपने बहुत अच्छा से नहीं नहीं मोस्ट वेलकम सो मच आप सब लोग तो खुद सीखे हुए हैं सबको सब कुछ आता है यहाँ पे ओके okay, हाँ, थैंक यू थैंक यू मैम कल के प्लस इसी टाइम पे होगी हाँ इसी टाइम पे कल और परसों प्लीज बी देर सॉरी क्या रिकॉर्डिंग मिलता है ना ओके थैंक यू कल मिलेगा अभी तो वो लोग निकल गए होंगे आपको कल नहीं 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 आगे नहीं आज का नहीं मतलब हाँ बाद में ही ठीक है थैंक यू सॉरी कुछ कह रही थी रश्मि जी आप हाँ मैंने यही बोला मैम कि जितना भी सीखो वो प्रैक्टिस नहीं होती नहीं। तो भी होती है आप आपका है कनेक्शन की आप जो समझाते हो ना वो ऐसे जुब करके तो बात करके अमो પડી પોતા ઓલ ઈટ્સ બેટર ઓલ મ્યુટ મેમ સમ ઓફ ધેમ હેવ અનમ્યુટેડ એન્ડ કોટ ગેટિંગ સાઉન્ડ અમોચ મેડ વાડલાજી એન્ડ દિનેશ સર ઓકે હા સોરી હા આપ જો કહે રહે હો વો સહી કહે રહે હો કે પ્રેક્ટિસ કી જરૂરત હે અને jitna hum practice karte hain utna behtar bante hain correct yeah. so സീയ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം താങ്ക്യൂ ഓക്കേ चलिए कल मिलते हैं थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैम